नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग भैया, कैसे हो? बहुत 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 स्वागत है आप सभी का सुखोई एकेडमी के इस बहुत शानदार यूट्यूब सेशन में। तो हमेशा से एक सवाल आपका रहता था, सर मैराथन क्लासेस कब ला रहे हो, सर मैराथन क्लासेस कब ला रहे हो? तो भैया, आज से इस संडे से आपकी मैराथन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और अब हर संडे आपकी ये क्लासेस चलेंगी। तो जैसा पिछली साल रहा, एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सबका रहा था, इस साल भी भाई उससे बेहतर हम करने की कोशिश करने वाले हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड राउंड रहा, उसका ई काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और कल तक आपको करना है उसे लॉक, अपने सेंटर को लॉक करना है, चॉइस को लॉक करना है। और मैं बता दूं भैया, कल तक सभी कर लो, अगले की वेट बिल्कुल मत करो। जो भी सैनिक स्कूल आपको मिल रहा है उस सैनिक स्कूल को ले लीजिए, ओके? जो भी स्कूल मिल रहा है उसे ले लीजिए, क्योंकि भैया अगर इतना मेहनत आपने किया है, आगे क्या हो क्या नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का और उम्मीद करूँगा सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि भाई मौसम जो है वो थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, बीमार बहुत हो रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी आ जाइए और फिर आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं। सभी का स्वागत है, विनीत तिवारी के भाई हैं, है ना, अदिति का, प्रिंस भंडारी का, सबका स्वागत है। और मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि जब भी कोई स्पेशल क्लास होती है तो भैया स्पेशल क्लास को स्पेशल तरीके से ही आपको लेना है, मीन्स आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि बार बार पूछते हैं कि सर ये सिक्स्थ के लिए है, नाइन्थ के लिए है कि RIMC के लिए है। आज मैं आपको भाई एक वादा कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें आज रहेंगी वो बहुत ज़रूरी चीज़ें आपकी साइंस के लिए रहेंगी। और साइंस जो है वो बहुत ज़रूरी है RMS के लिए भी, सैनिक स्कूल के लिए भी, नाइन्थ क्लास के लिए भी, सिक्स्थ क्लास के लिए भी और RIMC के लिए भी। मीन्स बहुत एक ज़रूरी सब्जेक्ट है और इतने आसान सवाल आते हैं, बार बार मैंने पिछली बार भी कराए थे, बहुत से सवाल पेपर में आए, एक दो क्वेश्चन चलो बाहर से आ जाते हैं, ये सबके लिए है। ठीक है, ये चीज़ें हैं सबके लिए, सबको करनी है, बहुत बेहतर तरीके से करनी है। तो भाई आ जाइए, शुरू करते हैं हम आज के इस बेहतरीन सेशन को। मैं उम्मीद करूंगा कि आज जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आप बिल्कुल रेग्रेट फील नहीं करोगे। जो दो ढाई तीन घंटे आप मुझे दोगे आज, आप भी दो ढाई तीन घंटे में आपको ये लगेगा हाँ जी जो भी काम की चीज़ें थी हमने वो करा ली हैं। तो हर तरीके के सवालों से मैं एक एक चीज़ लेकर के आया हूँ, एक एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सबसे पहले भाई जो भी आंसर आपका रहा करे उस आंसर को कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करो। दूसरी चीज़, फालतू की चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो और भाई आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हो, ये आप सबको पता है, लेकिन उसके लिए मेहनत की ज़रूरी है। ओके, जिनका जून का अटेम्प्ट है उनसे भी मैं कहूँगा भाई आप थोड़ा सीरियस अप हो जाइए। सबसे पहले भाई, जैसा कि हर क्लास में मैं बताता हूँ आपको कि 100% स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम है वो 11 जून को आपका होने वाला है। जी हाँ, 11 जून को आपका 100% स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम के लिए आपको sukhoiacademy.com, जी हाँ, जो हमारी वेबसाइट है sukhoiacademy.com, उस पे आप जाकर के क्या कर सकते हो, उस पे जाकर के अपने आप को आप रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को आप रजिस्टर करा सकते हो sukhoiacademy.com की वेबसाइट पे। ठीक है, चलिए तो फिर करेंगे आज के सेशन को शुरू। एक बहुत 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 जरूरी सब्जेक्ट जिसका नाम है साइंस, ठीक है, इसको आज हम करने वाले हैं।
चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, द गैस प्रीडोमिनेंटली। अब देखो ये कौन से सवाल है, पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, साइंस बड़ी प्रेडिक्टेबल है। साइंस जो होती है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल का मतलब हम बता सकते हैं कि कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, मीन्स हम बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए साइंस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट हो जाती है, क्योंकि वही चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं जो चीज़ें आपको जनरली करवाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सवाल है आपका ग्लोबल वार्मिंग या पॉल्यूशन से। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मींस जब आप एयर में, वाटर में क्या कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हो, कुछ बेकार का चीज़ आपने मिला दिया एयर में, भैया आपने फालतू की गैसेस मिला दी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। वाटर में आपने क्या कर दिया, वाटर में आपने भाई फालतू का कोई भी गैस या कोई भी भाई सॉलिड मटेरियल मिला दिया जिससे पानी खराब हो गया। ठीक है, ये तो बात होगी पॉल्यूशन की, लेकिन एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब दुनिया क्या हो रही है, गर्म। आपने देखा होगा कि भाई लगातार टेम्परेचर जो है वो हर साल गर्मी ज्यादा पड़ती जा रही है, लगातार टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है कि इसे बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब अब लगातार जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है बेटा कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ जमी हुई है पहाड़ों पे, वो पिघल जाएगी, नदियां ओवरफ्लो हो जाएंगी, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा भाई, ओजोन लेयर खराब हो रही है, आप सबको पता है, और दुनिया में जब ज्यादा गर्मी रहेगी तो जीव जंतु जो गर्मी नहीं सहन कर पाते वो भी मर जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे सबसे ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो क्या करती है, हमारे टेम्परेचर को या हीट को ट्रैप करती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए भैया, बहुत जरूरी है। 9th क्लास में भी इसके ऊपर एक चैप्टर है पॉल्यूशन का, और इसके अलावा तो भाई हर जगह ये पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी गैसेस पे। देखो पहले की तरह मैं फिर से वापस अपनी फॉर्म में आऊंगा कि हर चीज के आपको दो दो चार चार चीजें बताया करूं। ठीक है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी मौत कर देती है दम घुटने की वजह से। आप जब क्या करोगे, आप जब धुआं आपके शरीर में एंटर कर जाएगा तो क्या हो जाता है, आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे जहरीली गैस है, ये क्या है, मोस्ट पॉइजनस गैस है। तो मोस्ट पॉइजनस गैस होने के कारण ये आपके शरीर में एंटर कर जाएगी और आपके हीमोग्लोबिन को खत्म कर देगी और आपकी हो जाएगी मौत। तो सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है जो मौत कर सकती है। तीसरी जो गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। भैया अगर इसे सूंघ लोगे तो आपको हंसी आएगी, ठीक है, इसे सूंघ लोगे हंसी आएगी, इसे लॉफिंग गैस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लॉफिंग गैस बोलते हैं। तो याद रखो भैया, कौन सी, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लॉफिंग गैस। ठीक है, नाइट्रोजन परोक्साइड का आपको कोई इस्तेमाल नहीं रखना याद, केवल और केवल शुरू के तीनों के रखने हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी मौत कर सकती है, सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो है, जो आपका क्या है, N2O, जो क्या करती है, आपको हंसाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन सा है। देखिए अब यहां पे कंडक्टर वर्ड भी यूज किया है और बैड भी यूज किया है। कंडक्टर का मतलब वो होता है जिसके आर पार बिजली हो जाए। कोई वायर है, इस वायर में से अगर बिजली पार हो जाती है, जैसे कॉपर का वायर, भाई मैं बोल रहा हूं, मेरे जो आवाज है वो एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आप तक पहुंच पा रही है, तो ये जो वायर है ये क्या है, कंडक्टर है। लेकिन अगर इसमें से आवाज नहीं जाती, जैसे कि भाई आपका क्या, लकड़ी, तो इसे क्या बोलते, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जिसमें से आवाज आपकी, सॉरी, क्या, करंट नहीं पास कर सकता। ठीक है, तो ये इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, बैड कंडक्टर। तो इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर है बिजली का। चलिए सर, क्या हमें नहीं पता सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं, आपको अपना आंसर ढूंढना है। हमेशा याद रखिए भैया, आपको अपना आंसर ढूंढना है। आंसर कहां मिलेगा, आंसर मिलेगा देखो, नॉर्मल
नॉर्मल जो पानी होता है वो क्या बिजली का करंट पकड़ता है। नॉर्मल पानी में करंट आता है, लेकिन यहां पे कैसा पानी है, यहां पे है साफ पानी। भैया नहीं पता, नहीं पता सर, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हमको। हमको क्या पता है, हमको पता है साफ पानी। साफ पानी में से बिजली आर पार नहीं हो पाती, कोई भी नहीं बता रहा था, सब डी 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 कर रहे थे। भैया आपको ऑप्शन ही नहीं देखने, कोई ऑप्शन नहीं देखने, क्यों? क्योंकि आपको आपका आंसर मिल चुका है। आंसर है डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर का मतलब ऐसा पानी जो पानी साफ है। भाई साफ हो गया तो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं बची जो बिजली को पार कर सके। भाई कॉपर है, सिल्वर है, बाकी अल्यूमिनियम है, इतने वायर हैं, वो क्या करते हैं बिजली को पार करवा सकते हैं। लेकिन साफ पानी जो होता है, लकड़ी जो होती है, वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं आपके इंसुलेटर। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम इंसुलेटर बोलते हैं। अगला है आपका वेल और डॉल्फिन। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये वो सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं, कोई भी पेपर उठा लो आप, इवन आप एसएससी का पेपर, पीसीएस का पेपर, या कोई भी आप पेपर उठा लीजिए अपना, तो आप भाई सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडीए का कोई भी उठा लीजिए, ये सवाल हमेशा रिपीट ही होते रहते हैं, रिपीट ही होते रहते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस ही मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि यही सवाल या इससे रिलेटेड सवाल दोबारा भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो ये सवाल है, ये वेल और डॉल्फिन के बारे में है। अब आप कहोगे सर ये तो मछली है, ये क्या है सर, ये तो मछली है। जी हाँ, फिश हो जाएगा, सच में फिश हो जाएगा। नहीं, इतना आसान थोड़ी पूछता कोई। आप मुझे बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि भैया डॉग क्या है, आप कह दोगे जानवर है सर, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, है ना, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। जी नहीं, मछली जो है वो मैमाल भी होती है। मैमाल होता क्या है, पहले एक एक करके देख लेते हैं। भाई फिश क्या है, फिश तो एक मछली है, ठीक है, जो पानी में तैर सकती है। ओके जी, जिसके हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, खत्म करो बातों को। अगला है रेप्टाइल। रेप्टाइल वो होते हैं जो रेंग करके चलते हैं। फ्लेक्सिबल क्या होता है इनका, रीढ़ की हड्डी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, इनका पूरा स्केलेटन फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या हो गए रेप्टाइल। भाई छिपकली है, सांप है, मगरमच्छ है, रेप्टाइल है। एम्फीबियन कौन है, जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। भाई जमीन पानी पे कौन रहता है सर, सांप रहता है। जी नहीं, सांप जो है वो एक रेप्टाइल है, जमीन पानी पे मेंढक रहता है, फ्रॉग रहता है, तो फ्रॉग क्या हो गया एक एम्फीबियन हो गया, फ्रॉग क्या हो गया एक एम्फीबियन हो गया, ठीक है। ममाल्स कौन होते हैं, इंसान जो बच्चों को जन्म देते हैं, ममाल्स वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और ये अंडों को जन्म देते हैं। अब दूसरी चीज जो पेपर में पूछा जाता है, जो अंडों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं ओवीपैरस। ओवीपैरस बोले तो अंडों को जन्म देने वाला, ठीक है, और वीवीपैरस होता है जो बच्चे को जन्म देता है, जैसे इंसान है, ठीक है जी, जैसे इंसान है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भाई छिपकली क्या है, अंडे को जन्म देती है, तो एक ओवीपैरस है। मुर्गी क्या है, ओवीपैरस है, ठीक है। ऐसे ही भैया मैमाल्स जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ मैमाल्स ऐसे हैं जैसे एकिडना, प्लेटीपस, जो अंडों अंडे देते हैं। दो ही ऐसे मैमाल हैं जो अंडे देते हैं। मैमाल्स के कान बाहर की तरफ होते हैं, मैमाल्स को पसीना आता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैमाल्स को अलग रखती हैं, ठीक है। तो मैमाल्स कौन है, इंसान है, गधा है, घोड़ा है, हाथी है, मछलियां हैं, कौन सी, वेल और मैमाल। याद रखोगे भैया, ये बहुत जरूरी है और पूछे गए हैं ये सवाल। ये आरएमएस का प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये आपके आरएमएस का प्रीवियस ईयर का सवाल है। अगला सवाल है आपके सामने, द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। सपोज करिए भैया कोई पानी है, उस पानी में आप तैर रहे हो, उस तैरती हुई चीज में क्या लगेगा, नीचे से एक फोर्स लगाया जाता है। हर चीज में जो किसमें है, पानी के ऊपर है या पानी में है, उसमें एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोला जाता है, बड़ा आसान है, 2018 सैनिक स्कूल में पूछा गया है, ठीक है। तो जो फोर्स किसी भी पानी के सरफेस पे तैर रही चीज पे लगता है, उसे बायवेंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बायवेंट फोर्स बोलते हैं। बायवेंसी वो प्रोसेस कहलाती है,
ठीक है, बिल्कुल। ममाल्स के हेयर होते हैं, ममाल्स के कान बाहर निकले होते हैं, ममाल्स जो है वो भाई बच्चों को जन्म देते हैं, तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो अलग करती हैं ममाल्स को। ठीक है, तो बाइवेंट फोर्स क्या है? जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा भैया, किसमें? आपके तैरती हुई चीजों पे। ठीक है, कोई चीज तैरती कब है? तैरने को बोला जाता है फ्लोटेशन। तैरने को क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोटेशन बोलते हैं। फ्लोटेशन का मतलब भैया हम तैर रहे हैं पानी में, नहीं तैर पाते, डूब जाते हैं। कारण क्या है? हमारी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। ठीक है भाई, लोहा डूब जाता है लेकिन लकड़ी तैरती है, क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी कम होती है पानी से। ठीक है, ओके, लोहे की डेंसिटी ज्यादा होती है, आप जो हो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर डेड सी में हम कूदें तो डेड सी में तैरेंगे, क्योंकि डेड सी में नमक है, नमक के कारण हम उसमें तैर सकते हैं। ओके, बिल्कुल बेटा, फुल जी के मैराथन तो नहीं, एक एक सब्जेक्ट करके ही लाते, एक एक सब्जेक्ट करके लेंगे तो ज्यादा टाइम बहुत है आपके पास। ऐसा बिल्कुल मत करना कि भाई एक ही दिन में सारी चीजें कर देंगे और आज ही हम सर जी के पूरा पास कर देंगे। नहीं, वक्त है हमारे पास और हम वक्त के हिसाब से ही चलने वाले हैं। अगला है विच ऑफ द, भैया देखो मैं बार बार कहता हूं कि दो तीन चीजें तो मेरी फेवरेट हैं, दो तीन चीजों पे तो मैं आपको श्योरिटी अगर दे दूं कि 100% अगर ये पेपर में नहीं आए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, भाई आर आई एम सी, अगर ये नहीं आए तो भाई पढ़ाना हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपसे जरूरी चीजें आपके लिए, भाई आपका ग्रोथ होता है विटामिन, विटामिन के कारण ही भाई आप मोटे ताजे और बीमारियों से लड़ पा रहे हो, विटामिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कारण ही। तो न्यूट्रिएंट बड़े जरूरी हैं, इसके अलावा आपको कोई बीमारी हो जाती है तो भाई डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे ज्यादा पैसा वहीं खर्च करता है इंसान, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन हुए, प्रोटीन हुए, कार्बोहाइड्रेट, इन पे क्वेश्चन आता है। अब बीमारी की बात कर रहे हैं, बीमारी क्या है भैया? पहले तो ये शब्द पढ़ो, नॉन। नॉन का मतलब होता है नहीं है। चलो जी, उल्टा हो गया, किसका? कम्युनिकेबल का। अब ये कम्युनिकेबल क्या होता है? सपोज करिए भैया मेरे को कोरोना है, सामने वाले को कोरोना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आदमी से दूसरे आदमी में वो बीमारी ट्रांसफर हो सकती है, या फिर एक मच्छर से या एक मक्खी से किसी आदमी में बीमारी ट्रांसफर हो सकती है, तो वो कम्युनिकेबल होती है। चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से होता है, तो एक वायरस के कारण होता है। कॉमन कोल्ड एक वायरस से होता है, तो वायरस के कारण होता है। मीजल्स एक वायरस से होता है, तो वायरस के कारण होता है। लेकिन बेरी बेरी जो है ये विटामिन के कारण होती है। भैया अब मेरे अंदर विटामिन की कमी है तो जरूरी थोड़ी है दूसरे के अंदर होगी। अगर मेरे अंदर विटामिन की कमी है तो दूसरे के अंदर थोड़ी होगी, तो दूसरे के अंदर वो बीमारी नहीं जा पाएगी। कारण? अरे भैया ये कमी के कारण हुई है, ना कि किसी वायरस, बैक्टीरिया, मच्छर, मक्खी के कारण। तो बेरी बेरी क्या है? विटामिन बी की कमी के कारण होने वाली बीमारी। बी से बेरी बेरी और विटामिन बी। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। कम्युनिकेबल डिजीज का मैं एक बार फिर से बहुत अच्छे से चीजें मैं कराऊंगा, और देखो अब तो डेली हम करा ही रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे पास बहुत कुछ है करने को। अगला है ग्रोइंग चिल्ड्रन। देखियो बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही, मैंने पिछला आपको डिजीज का, इस बार मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स का दे दिया। भाई बढ़ते हुए जो बच्चे हैं जिनमें ग्रोथ हो रही है उनको क्या चाहिए? भैया सबसे जरूरी ग्रोथ के लिए क्या होता है? ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होता है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? अरे भैया दूध से मिलता है, बिल्कुल मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। ठीक है जी, आपका भैया मीट से, एग से, इन सबसे प्रोटीन मिलता है। तो छोटे बच्चे को या ग्रो हो रहे बच्चे को किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है हमें। मैं बोल पा रहा हूं क्यों? क्योंकि आज मैंने खाना खाया, आज मैंने रोटी खाई, दाल खाई, तो वो क्या है? वो मेरे बोलने का कारण है, मेरी एनर्जी का कारण है। आप पूछते हो ना, सर 12 घंटा कैसे पढ़ा लेते हो, 12 घंटा कैसे बोल लेते हो? तो भैया वो 12 घंटा पढ़ा सकता हूँ या 12 घंटा बोल सकता हूँ, तो उसका कारण क्या है? भाई एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ले रहा हूँ। ठीक है, अब भाई मैं दूध नहीं पी पाऊंगा या फिर वो नहीं कर पाऊंगा तो क्या मैं जिंदा नहीं रहूंगा? बिल्कुल रहूंगा। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, विटामिन हमारी बीमारी से लड़ने में मदद करेगा। विटामिन किसके में करता है? बीमारी से लड़ने में मदद करता है। प्रोटीन किसमें करेगा? हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करेगा, हमारी मसल्स को सही करता है। प्रोटीन क्या करता है? हमारी मसल्स को सही करता है। फैट क्या करेगा? फैट होता है जो हमें दुगनी एनर्जी प्रदान करता है।
फैट क्या होगा, दोगुनी एनर्जी। अगर किसी को भैया इनमें कोई भी डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करो। और यही वो सवाल है, बार बार पूरे साल भर में चिल्लाया लास्ट ईयर, कर लो कर लो कर लो, आएंगे आएंगे आएंगे, आए गलत कर दिया और डिब्बा गोल हो गया। ठीक है, डिब्बा गोल हो गया। क्विज जो है वो हम शुरू करेंगे मई से हम क्विज शुरू करेंगे आपके लिए। अगला सवाल, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, आपके लिए अगर बायो में सबसे ज्यादा जरूरी कोई टॉपिक है तो वो है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम को आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे से करके चले जाइए, वहां से जरूर आपके लिए सवाल आएगा। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं भाई, कैसे काम करती है, कौन सी बीमारी लगती है, क्या चाहिए, सारी चीजें आपको करके जानी होंगी, तभी आप, क्योंकि हर बार क्वेश्चन जो हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इंसान के शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या होता है। भैया ग्लैंड होता क्या है, ग्लैंड एक ऐसी चीज होती है जिसमें से कोई ना कोई चीज सीक्रेट होती हो। सपोज करिए लिवर है, लिवर में से बाइल जूस निकलता है। ठीक है, सपोज करिए पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें, बहुत से एंजाइम। अब हमारे भैया मुंह के अंदर देख लो, मुंह के अंदर क्या है, ये मुंह के अंदर सलीवरी ग्लैंड, मुंह के अंदर कौन सी है, सलीवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी है भैया, सबसे बड़ी ग्लैंड है लिवर। सबसे बड़ी कौन सी ग्लैंड है, लिवर है। क्लास कितने घंटे की होगी भैया, क्लास की मैं आपको बता दूं कि बहुत 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 अच्छा मजा आपको आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला सवाल है, विच गैस व्हेन सॉलिडिफाइड। ये मेरे हिसाब से 5 से 7 बार पिछले सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC या फिर और किसी एग्जाम में जो 6th 9th का एग्जाम होता है उसमें ये इतना रिपीट हो चुका है कि सॉलिड, किसकी सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस बोला जाता है। 2021 का पेपर याद कीजिए, उससे पहले भी ये आया था, किस चीज की सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस बोला जाता है। ठीक है, अरे बड़ा आसान है सर, इससे आसान मैंने नहीं पढ़ा आज तक, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा इससे आसान सवाल। ये है आपका कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 बोले तो ड्राई आइस, क्या बोलते हैं भैया, ड्राई आइस। अब ये ना सवाल बस कहते हो सर ये बार बार हम इन्हीं को पढ़ते रहते हैं, बार बार इन्हीं को पढ़ते रहते हैं। भैया बार बार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बार बार पढ़ने से ही ये बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बार बार पेपर में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 जो है वो ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ओके। चलिए भाई, आप थर्स्ट जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ ही लगने वाला फोर्स है, और दूसरा पानी का भाई, पानी में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, पानी में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ये चीज याद रखना। पानी हमारे शरीर की जो भाई 70% पानी है, तो शरीर को पानी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो का आपकी RBC है, अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा ना तो सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन क्या है, नमक में पाया जाता है, नमक में पाया जाने वाला एक एलिमेंट है आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आयोडीन जो है ये हमारे गले के लिए बहुत अच्छा होता है। अब गले में कौन सी बीमारी, 4 बीमारी दे रखी है, एक एक करके बात कर लेते हैं। बात करते हैं स्कर्वी की। स्कर्वी जो बीमारी होती है हमारे दांत और मसूड़ों में होती है, दांत और जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते, खून आने लगता है, उसे बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन सी की कमी के कारण होती है स्कर्वी। ठीक है जी, हो गया। कैटारेक्ट मोतियाबिंद होता है, आंखों में होता है, कब होगा आंखों में, सपोज करिए आंखों में कोई झिल्ली जम जाती है, मेम्ब्रेन जम जाती है, देखना बंद हो जाता है, तो उसे मोतियाबिंद बोला जाता है। ठीक है जी, बुढ़ापे में होता है। मलेरिया भाई, मच्छर काट गया फीमेल एनाफिलीज और हमारा खून में, ब्रेन में और पूरे शरीर में उसका इफेक्ट होगा, तो मलेरिया बीमारी। गाइटर जो होती है हमारे कहाँ पे होगी, गाइटर जो बीमारी है ये हमारी गर्दन में होगी, और गर्दन में कहाँ पे होगी, थायराइड ग्लैंड में होगी। किसमें, थायराइड ग्लैंड। ठीक है जी, गले में एक ग्लैंड होती है थायराइड, उसके अंदर ये होता है। तो याद रख लो भैया, ये नमक की कमी से होने वाली बीमारी है।
ये नमक की कमी से होने वाली बीमारी है। ओके बेटा, देखो 12 घंटे की मैराथन आपको बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है 12 घंटे बोलना, बहुत मुश्किल है बेटा। आप खुद सोच के देखिए कि एक इंसान 12 घंटे तक खड़ा रहे, बोलता रहे, चिल्लाता रहे, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा चीज़ों को। हाँ, हर साल मैं आपके लिए एक ज़रूर लेकर के आता हूँ, तो RIMC के बैच के लिए भाई जितना मैंने करा दिया, मैं सबको बता रहा हूँ, मैंने प्लेलिस्ट बनवा रखी है, जितना मैं यूट्यूब पे करा दिया आपके लिए, आपको पास हो जाओगे, पास हो जाओगे एटलीस्ट। ये मेरी मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आपने पूरा प्लेलिस्ट भी देख लिया अच्छे से तो आप पास हो जाओगे बस, और पास होना ही भाई इतना ही है, और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए तो चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। आपका लक्ष्य भी पास होना है और भाई हमारा लक्ष्य भी पास कराना है। चलिए आगे बात करते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्किन। अब देखो यहां पे बात करते हैं जी, रेस्पायरेशन मीन्स सांस लेना। देखो जितने भी जानवर हैं वो हर अलग अलग चीज से सांस लेते हैं। भैया हम हैं, हम इंसान हैं, हम सांस लेंगे लंग से, है ना, हमारे भाई चेस्ट में दो लंग्स होती हैं, उनसे हम सांस लेते हैं। लेकिन क्या सारे जानवर लंग से सांस लेते हैं? जी नहीं, सारे जो जानवर हैं वो लंग से सांस नहीं लेते। वो सांस कहाँ से लेंगे? कोई भैया स्किन से लेगा, कोई भैया ट्रैकिया से लेगा, यहाँ पे ट्रैकिया होता है, कोई भैया गिल से सांस लेगा। तो एक एक करके बातें कर देते हैं सबके बारे में। देखो सांस लेने के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, ज्यादातर ज्यादातर चीजें जो सांस लेती हैं वो आपकी तीन चार चीजों से लेते हैं, ठीक है। जितने भी कीड़े होते हैं वो सब ट्रैकिया से सांस लेते हैं। फ्रॉग जो होता है जनरली वो स्किन से सांस लेता है। फ्रॉग जो होता है वो किससे लेता है? स्किन से सांस। मछली जो होती है वो गिल से सांस लेती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है किसी भी एग्जाम के इतिहास में, उनमें से एक गिल्स वाला है। गलफड़े बोला जाता है गिल्स को, और बाकी जो ममाल्स होते हैं वो ज्यादातर लंग से सांस लेते हैं। ममाल्स जो हैं वो लंग से सांस लेते हैं ज्यादातर। तो यहां पे पूछा है मेरे हिसाब से स्किन से, तो स्किन से सांस लेता है फ्रॉग। स्किन से कौन सांस लेता है? फ्रॉग सांस लेता है, जो एक एम्फीबियन। एम्फीबियन बोले तो जमीन पे भी रहूंगा भैया, और किस में रहूंगा? पानी में भी रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला जो सवाल है वो है एक और सवाल जो बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होने वाला। देखो तीन प्रकार की चीजें आपके खून में पाई जाती हैं, और ये सब आपने सुना भी होगा, बीमार होते हैं ब्लड टेस्ट होता है। जब भी ब्लड टेस्ट होता है इन तीन चीजों को मापते हैं, भैया RBC ज्यादा हो गई है, WBC कम हो गई, प्लेटलेट कम हो गई, बीमार पड़ गए क्यों? क्या बोलते हैं इसको? ब्लड इन्फेक्शन। देखिए आपके शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये रेड ब्लड सेल्स आपकी ऑक्सीजन लेके जाती हैं आपके पूरे शरीर तक, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं RBC। मिनरल्स जो हैं उनको कैरी करने का काम करती हैं RBC। तो RBC जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं आपके शरीर में। कितनी होती हैं? 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख RBC होती है। वही RBC जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, वही RBC होती है। रही बात WBC की, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल बीमारी से बचाएंगी। बीमारी से कैसे बचाएंगी? शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंटर हो गया तो व्हाइट ब्लड सेल क्या करेंगी? आपकी एंटीबॉडी बनाएंगी और भगाएंगी, भाग जा भैया मैं इंटर नहीं करने दूंगा। इसे बोलते हैं इम्यूनिटी। इसे क्या बोलते हैं? इंसान की इम्यूनिटी बोलते हैं। अब सपोज करिए भैया किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, व्हाइट ब्लड सेल बड़ी डैमेज हो जाती हैं, तो क्या होगा? इंसान जल्दी मर सकता है, ठीक है। तो WBC बीमारी से बचाती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। WBC बहुत कम होती हैं, कितनी? 4 से लेकर के 11 हजार तक होती हैं WBC। ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत, कम हो गया तो भी दिक्कत। प्लेटलेट्स आपके ब्लड क्लॉट में मदद करती। क्लॉट बोले तो खून का जमना, जरूरी है भैया खून का, नहीं तो बहता रहेगा। तो प्लेटलेट्स भी भैया आप बीमार पड़ते हो, मलेरिया होता, डेंगू होता, प्लेटलेट्स काफी कम होती हैं। तो 4.5 लाख के करीब अगर हैं, 1.5 से 4.5 लाख, तो ठीक है। तो 120 दिन क्या है आपकी RBC का? 120 दिन में RBC जन्म लेके मर जाएंगी।
आरबीसी जन्म लेके मर जाएंगी। तो ये चीजें आपने बार बार सुनी होंगी। अरे पेपर में कौन क्यों पूछते हैं चीजों को, पेपर में पूछने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। भाई बीमार पड़े, डॉक्टर ने बोला प्लेटलेट्स कम है, अरे भैया क्या था ये प्लेटलेट्स, डॉक्टर ने बोला भाई हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम है। हीमोग्लोबिन मतलब जो आपका लाल रंग दे रहा है आपके खून को, जिसकी वजह से आपका खून क्या कर रहा है, चल रहा है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। अब भाई ये तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम ही होती है। खून से सबसे ज्यादा बीमारी है, बुखार खून से होता है। जितनी भी बीमारियां हैं 90% जो बीमारियां हैं उनमें कहीं ना कहीं खून का। अगर बहुत ज्यादा WBC हो जाती है तो बाकी सेल्स को वो मारने लगती है, वो भी बड़ा नुकसान का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्लांट जो ग्रो करते हैं नमकीन पानी में। भाई नमकीन पानी मतलब जिसके अंदर पानी के अंदर नमक बहुत है। भाई राजस्थान में कैसा नमकीन पानी पाया जाता है, राजस्थान में कैसा होता है भैया, नमकीन पानी पाया जाता है हरियाणा के कुछ इलाके में, गुजरात के इलाके में। ठीक है, तो कौन से प्लांट हैं जो नमकीन पानी पे उगते हैं। देखो कई प्रकार के प्लांट हैं, एक तो पानी के अंदर ही उग जाते हैं, पानी के अंदर जो उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो प्लांट हैं जो हर जगह उग जाते हैं उनको मीजोफाइट बोलते हैं। जीरोफाइट होते हैं कम पानी में, मीन्स पानी की मात्रा कम है, पानी नमकीन नहीं है, पानी की मात्रा कम है। और जो प्लांट सलाइन वाटर पे उगते हैं उनको हेलोफाइट बोलते हैं। जो प्लांट सलाइन वाटर मींस नमकीन पानी पे, आप प्रीवियस ईयर खोल के देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं मिलिट्री स्कूल में भी और RIMC में भी। फिर से मैं बता दूं, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो अपने सिलेबस को, अपने लेवल को मिलिट्री स्कूल यानी RMS के हिसाब से लेकर के चलें, मिलिट्री स्कूल यानी RMS के हिसाब से लेकर के चलें। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि कौन सा एकमात्र पक्षी है जो उल्टा चलता। भाई हम तो आगे की तरफ चलते हैं, सारे पक्षी हैं वो आगे चलते हैं, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा, ठीक है, जो मतलब ऐसे करके पीछे की तरफ जाता है। और ये पेपर में भी आ चुका है, इवन RIMC RMS दोनों पेपर में आ चुका है। वो पक्षी है दुनिया का सबसे छोटा बर्ड। दुनिया का सबसे छोटा बर्ड कौन सा है? हमिंग बर्ड। ठीक है, ये जो पक्षी है हमिंग बर्ड, ये आपका उल्टा भी चल सकता है। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट बर्ड है दुनिया का। ये क्या है? आपका स्मॉलेस्ट बर्ड। अब बात करेंगे लार्जेस्ट बर्ड की, तो लार्जेस्ट जो बर्ड है वो है ऑस्ट्रिच। वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच है। ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है, सबसे छोटा जो पक्षी है वो आपका हमिंग बर्ड है। वो कौन सा है? हमिंग बर्ड। ठीक है, बिल्कुल, जब डेंगू होता है तो शरीर में बहुत कम आपकी क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स हो जाती हैं। कैमरा थोड़ा सा सेट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई पड़ रही होंगी। और ऐसा नहीं होगा कि देखो चीज़ें देखनी है आपको, जो भी लिखा हुआ है वो चीज़ें आपको देखनी है, और उससे ज़्यादा आपको भाई ये नहीं कि स्टाइल में ऊपर क्या है नीचे क्या है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं। आपको जो दिख रहा है, जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा और बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला जो सवाल है वो कहता है कि बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर से भी बहुत बार 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 मैं प्रीवियस ईयर से ही उठा के चीज़ें ज़्यादा लाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है। और बार बार देखो चीज़ें क्यों पूछी जाती है? क्योंकि पेपर जो पूछने वाला है वो चाहता है कि जो बच्चा 10, 12 साल, 13 साल का बच्चा है उसको मैं ज़्यादा भारी भरकम पूछने की कोशिश ही नहीं करूँगा। ज़्यादा भारी भरकम अगर पूछूंगा तो बेचारा कहाँ से बता पाएगा। तो वो क्या करता है? वो उससे बहुत हल्की हल्की चीज़ें ही पूछता है ना। तो वही हल्की चीज है बैरोमीटर जो बार बार आती है। बैरोमीटर क्या है? मरकरी भरा जाता है बैरोमीटर के अंदर। क्या यूज होता है? मरकरी। मरकरी क्या है? एकमात्र ऐसा मेटल जो लिक्विड है। मरकरी वो है जिसे पारा बोलते हैं और जो लिक्विड है, एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। ठीक है, अब ये जो बैरोमीटर है ये आपका कैसे, जैसे भाई
क्या काम करता है? जैसे आपका थर्मोमीटर काम करता है, थर्मोमीटर आपके शरीर का टेम्परेचर मापेगा और बैरोमीटर किसका मापेगा? बैरोमीटर मापेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर ये समझ नहीं आया क्या है ये? भाई हमारे चारों तरफ जो गैस है, एयर है, उसे हमारा एटमॉस्फेयर बोलते हैं। आपको पता है वो आपके ऊपर एक दबाव बना रहा है, पूरी जो ये हवाएं हैं हमारे चारों तरफ ये आपको दबा रही हैं, ये आपके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। उस प्रेशर के कारण ही आप सरवाइव कर पा रहे हो, सच्चाई बता रहा हूं। हमारी धरती पे अगर आप सरवाइव कर पा रहे हो तो उसका कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऊपर जाओगे तो कम हो जाता है ये, हाइट पे जाने से क्या होता है ये कम हो जाता है। इसी कारण हमारे नाक से खून, कान से खून निकलने लगता है जब पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है। फाउंटेन पेन लीक करने लगता है जब हम कहां हवाई जहाज में चल रहे होते हैं, ठीक है जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट पे कम हो जाता है। बस इतना ही मैं बताना चाहूंगा, आगे एक और क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएगा तब मैं बात करूंगा, ओके। चलिए, विंड स्पीड किससे होती है? एनीमोमीटर से। यह भी पूछा जा चुका है भाई, हवा कितनी तेज चल रही है किससे मापोगे? एनीमोमीटर से। टेम्परेचर को किससे मापोगे? थर्मोमीटर से। टेम्परेचर को किससे मापोगे? थर्मोमीटर से। रेन को मापा जाता है रेन गॉज से, रेन को मापते रेन गॉज से। तो ये है मापने वाली चीजें। बिल्कुल, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो ये जितनी भी जिंदा चीजें हैं ये जिंदा नहीं होती। WBC का जो लाइफ स्पेन है वो 13 डेज का होता है। WBC का लाइफ स्पेन जो होता है वो 13 दिन का होता है, ठीक है, 13 से लेके 20 दिन तक भी, और कभी कभी 9 दिन या 10 दिन में भी WBC मरने लगती है, ठीक है जी, ओके। WBC मरना और जिंदा होना आपकी इम्यूनिटी पे बहुत डिपेंड करता है। किसी में अगर आपको बहुत भाई ज़्यादा कोई ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है तो आपकी WBC बहुत जल्दी मरेंगी। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। आपको बताए इस दुनिया में जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं। भैया पानी है, पानी को गर्म किया, पानी भाप बन गया, पानी जो था वो बर्फ बन गया, बर्फ पानी बन गई। तो ये सब क्या है? ये सब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से सीधे गैस में बदलना। तो कौन सी ऐसी एक प्रोसेस होती है जिसमें चीजें सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाती हैं? देखो सपोज करिए भाई आइस है, आइस पहले मेल्ट होके पानी बनेगी, पानी फिर क्या बनेगा? भाप बनेगा। लेकिन सपोज करो अगर आइस सीधे ही भाप बन जाए, बर्फ जो है वो बिना पानी में जाए भाप बन जाए, मतलब सॉलिड सीधे भाप बन जाए, तो उसे बोला जाता है सबलिमेशन। उसे क्या बोलते हैं? सबलिमेशन बोला जाता है। सबलिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीजें सीधे क्या बन जाती हैं? भाप। मतलब भाई कोई कठोर चीज से उड़ गया, कैसे? कपूर की जो गोली होती है या नेप्थिलीन जो बॉल हम कपड़ों में रखते हैं सफेद कलर का, वो अगर हम बाहर रखेंगे तो वो हवा से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा हवा में, ठीक है। तो ये आपका सबलिमेशन होता है जिसमें कोई भी सॉलिड चीज हवा में उड़ करके क्या बन जाती है? आपकी भाप बन जाती है। वेपराइजेशन क्या होता है? जब कोई लिक्विड गैस बनता है, जब कोई लिक्विड क्या बनता है? भाप बनता है या गैस बनता है। पानी भाई भरा हुआ था, सूरज की रोशनी से उड़ के चला गया, ठीक है जी। कंडेंसेशन क्या होता है? जब कोई गैस क्या बनती है? लिक्विड बनती है। भाप जो ऊपर उड़ के गई थी वो फिर नीचे आ जाती है ओस के रूप में, बारिश के रूप में, तो वो क्या है आपका? कंडेंसेशन है। वो क्या है? कंडेंसेशन। बड़ा आसान है और बहुत ही जरूरी है, तो आपको भैया करना है, नहीं करोगे तो भुगतोगे। एक और चीज बता दूं, हमेशा मेरी कोशिश होती है आपको मैं उतना कराऊं जितना आपके लिए जरूरी है, आपको मैं उतना कराऊं जितने को आप कर सकते हो। मैं कभी कोशिश नहीं करता आपको बेफालतू का मटेरियल देने का, तो इसलिए जितना देता हूं उतना कर लिया करो। बहुत आसान है चीजें, और बहुत आसान चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं। यही चीजें आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके लिए सबसे बड़ा जो फायदे की चीज है कि यही चीजें स्कूल में पढ़ रहे हो। कम से कम आप स्कूल में तो टॉपर रहोगे, सीना तान के कह सकते हो हाँ भैया मैं हूं अपने स्कूल का टॉपर। क्यों? क्योंकि मेरे को सारी चीजें आती हैं, कहीं से भी पढ़ी हो, कहीं से, यूट्यूब से, किसी धर्मेंद्र सर से या किसी और सर से, लेकिन पता है।
जिंदगी में ये मैटर नहीं करता कि भैया कहाँ से पढ़ा है, जिंदगी में मैटर करता आपको पता कितना है, आपको नॉलेज कितनी है, आप कर क्या रहे हो, आप कामयाब हुए या नहीं हुए, ये चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल। देखो मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसे हम दोबारा 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 इस्तेमाल कर सके। सपोज करिए भैया हमारे यहाँ तेल है, उस तेल को मोटरसाइकिल में डाला, उड़ गया, है ना, 1 किलोमीटर मतलब 1 लीटर तेल था, 20 किलोमीटर चलाई गाड़ी, तेल खत्म, क्या वो दोबारा यूज होगा? नहीं। तो रिन्यूएबल वो होते हैं जो दोबारा यूज हो सकते हैं। तो हमारे धरती पे कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक बार यूज हो गए फिर यूज नहीं कर सकते, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। पानी है भैया, पानी जो है ना वो चलता रहता, भाई नहीं सर हमने तो नहाए, नाली में चला गया, फिर नाली से बाहर चला गया गटर में, ऐसे बेकार हो गया? नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं होता। बहुत सी जगह पे उस पानी को दोबारा से क्या करके साफ करके पीने के लिए भी बनाया जाता है। तो वाटर भी क्या हो जाता है, एक रिन्यूएबल सोर्स। एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है जी, कोयला है, कोयला जलाओ खत्म हो जाएगा, तो क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल है कोयला। क्या है, नॉन रिन्यूएबल, एक बार भैया यूज करिए खत्म। विंड क्या है भैया, हवा है, हवा को कोई मार पाया आज तक? कोई नहीं मार पाया हवा को, है ना, तो रिन्यूएबल है। ऐसा नहीं होगा कि भाई हवा से पवन चक्की चल रही है, हवा बंद पवन चक्की बंद, और फिर कभी हवा वापस आएगी ही नहीं। तो हवा क्या होती है, हवा जो होती है वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है। तीसरा भैया गैसोलीन, गैसोलीन एक प्रकार का डीजल, डीजल किया चला गया डीजल, ऑयल है भाई, ऑयल तो कोई सा भी ऑयल हो सकता है। तो ये चीजें क्या है, जलने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन विंड हुआ, देखो फिर से बता दूं, विंड हुई, वाटर हुआ और आपका सनलाइट हुई, ये चीजें कभी खत्म नहीं होती और ये चीजें क्या कहलाती हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाती है। बार बार पेपर में आता है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, बार बार मैं आपको बताता हूं कि आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप यूज कर रहे हो और दोबारा उनको यूज नहीं कर पाओगे, इसीलिए उनको बचा के रखो। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो कि काफी आसान है, ऐसा यूनिट है प्रेशर का और एक कंप्यूटर की लैंग्वेज भी है। दो सवाल आपको पता चल गए एक से ही। भाई कंप्यूटर में पहले लैंग्वेज यूज की जाती थी पास्कल, है ना, आजकल लैंग्वेज है कौन सी, आजकल तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आजकल किसका जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। सर बोलते हैं सिरी को, सिरी ये कर दो, वो करके दे देती है, बोलते हैं टाइप करके दे देते हैं, मतलब सब कुछ रोबोटिक हो रहा है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। जो दिमाग है वो रोबोट का चल रहा है, ठीक है, जो दिमाग है वो रोबोट का चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। लेकिन पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या थी, पास्कल थी। तो पास्कल ही क्या है, प्रेशर का यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या होता है जिसको सब मानते हो। भैया देखो दूरी को हम मीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, सर ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन फिर हम कहते हैं हाँ एक मान लेते हैं मीटर। मीटर क्या है, मीटर एक ऐसी दूरी है जिसको सब मान लेंगे, भैया एक मीटर है कि ये मीटर है, इसे ऐसा यूनिट मान लिया। तो ऐसे ही हर चीज का एक ऐसा यूनिट है। वॉट किसका है, पावर का है, ठीक है जी। जूल किसका है, एनर्जी का है। वर्क का है, हीट का है। ओम किसका है, बिजली को रोकने का जो रेजिस्टेंस होता है उसका है। तो पास्कल किसका हुआ, प्रेशर का। प्रेशर होता क्या है, किसी भी चीज पे दबाव डालिए वो प्रेशर कहलाता है, किसी भी एरिया पे फोर्स डालिए वो प्रेशर कहलाएगा, किसी भी एरिया पे फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ओके भैया जो नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, जो मेरे साथ पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के लिए जो ये यात्रा थी, मुझे आज भी याद है 23rd of May को हमने शुरू की थी 2021 में, जब हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, तो तब से लगातार 2 साल से आप जुड़े हुए हो। बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत खुशी होती है कि हम कुछ ना कुछ हम कर पा रहे हैं आपके लिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा आसान सा, कि भैया कौन सा मिनरल, आपको पता आपके शरीर में कुछ मिनरल भी होते हैं, लोहा भी होता है आपके शरीर में, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम सोडियम सब है आपके शरीर में, बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं कि भाई पूरा शरीर लोहे का शरीर है ना। तो हमारे दांतों में
हमारे दांतों में और लाइमस्टोन में। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, जो चूना पत्थर यूज करते हो आप अपने घरों को बनाने के लिए। तो कौन सा मिनरल है जो दांतों में पाया जाता है? आप सबको पता होगा आपके टीथ और आपकी बोन्स जो हैं ये एक खास मिनरल से बनी होती हैं। उस मिनरल का नाम है कैल्शियम, है ना। दांत टूट जाते हैं कहते कैल्शियम की कमी है, हड्डियां भाई कट कट करने लगती हैं कहते कैल्शियम खाओ, ठीक है, या विटामिन डी की गोलियां लो। तो कैल्शियम क्या है? आपके दांतों को मजबूत करता है, कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। एक और चीज है जो पाई जाती है, वो है फॉस्फोरस। एक और चीज है जो है फॉस्फोरस, तो भाई ये कहां से मिलेगा हमको? ये हमें खाने से मिलेगा। भाई हम दूध पीते हैं, दूध में कैल्शियम होता है, दूध हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम की गोली खा लेते हैं, वहीं से तो मिलेगा। कि हमें क्या खाना पड़ेगा? चूना पत्थर खाना पड़ेगा, जो घरों में यूज ईंटों को खाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये हमें हमारे खाने से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, अगला जो है वो है स्टेनलेस स्टील पे। स्टेनलेस स्टील क्या होती है? आप घरों में लोहा यूज नहीं करते, आप जो बर्तन है वो लोहे के बर्तन यूज नहीं करते। कभी देखा भैया लोहे के बर्तनों में थोड़ी खाएंगे? अब सपोज करिए भैया ये बोतल है, ये बोतल जो होती है स्टेनलेस स्टील की बोतल है। स्टेनलेस स्टील बोले तो जिसमें जंग ना लगे। आप सबको पता होगा जो आयरन होता है उसमें जंग लग जाता है। जंग क्यों लगता है? क्योंकि भाई पानी या फिर हवा दोनों चीजों से जंग लगता है। किसी को बाहर रख दो उसमें जंग लग जाएगा, लेकिन उसे अंदर रखोगे तो शायद जंग नहीं लगेगा। तो पानी और हवा से आपके लोहा खराब होता, कोई भी मेटल खराब होता है। अब क्या करो, उसमें आप क्या लगा दो, कोई और मेटल यूज कर लो, जैसे क्रोमियम यूज कर लिया, तो उसे क्या बोलेंगे? स्टील बोलेंगे। स्टील मतलब जिसमें आपका जंग ना लगे। अब ये बोतल है, इस बोतल में जंग नहीं लगता। कलर भी आप देख लीजिए, थोड़ी महंगी जरूर होती है क्योंकि इसे बनाने में खर्चा आता है, तो इसे स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। और किसी भी एक मेटल को दूसरे मेटल में जोड़ने को अलॉय बोलते हैं। किसी भी एक मेटल को दूसरे मेटल में जोड़ने को अलॉय बोलते हैं। तो कितना आसान था भैया, ठीक है, कितना आसान था। ओके चलिए, अब सबसे पहले एक और चीज याद रखो भैया कि RIMC के फॉर्म का डेट निकल चुका है। जिनका भी दिसंबर में अटेम्प्ट है उनके लिए सुखोई एकेडमी 100% स्कॉलरशिप जो है वो आयोजित कर रही है। सबको आपको पता होगा 100% स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आयोजित किया जा रहा है। 11 जून को ये टेस्ट है, और अगर आपको ये टेस्ट देना है, सुखोई एकेडमी में पढ़ना है आपको, कम से कम भाई अपने भविष्य को बेहतर करना है RIMC के लिए, तो आप sukhoiacademy.com जो हमारी वेबसाइट है इस पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और भाई हमसे जुड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको एडमिशन ले लो, लेकिन आपको एक बार ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, ये चीज आपको पता चल जाएगी। 11 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सेंटर्स जो हैं वो फरीदाबाद, लखनऊ, पटना, बेंगलोर, देहरादून और पुणे, इन 6 जगह पे सेंटर रहेंगे हमारे, ठीक है जी। चलिए तो फिर से चलते हैं वापस, हम जहां पे थे वहीं पे वापस चलते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो है फैदोमीटर पे। फैदोमीटर एक और बहुत बार बार पूछा जाने वाली चीज, ठीक है जी। फैदोमीटर जो है वो एक और बार बार पूछे जाने वाली चीज की भैया क्या होता है? देखिए ये समुद्र है, समुद्र की गहराई को मापना है, समुद्र कितना गहरा है कैसे मापोगे? उसके लिए यूज की जाता है सोनार। क्या यूज करते हैं? सोनार का इस्तेमाल होता है, साउंड से मापा जाता है समुद्र का गहराई। लेकिन अब फैदोमीटर क्या है? फैदोमीटर वो डिवाइस होती है जिससे मापते हैं किसको? ओशियन डेप्थ को, समुद्र की गहराई को, भाई कितना गहरा है समुद्र। हम ऐसे थोड़ी इंच टेप लेके थोड़ी जाएंगे, चलिए इंच टेप लेके जाते हैं कितना किलोमीटर गहरा है, कितना मीटर गहरा है, ऐसा नहीं होगा। तो ओशियन डेप्थ को हम किससे मापते हैं? आपके फैदोमीटर से मापते हैं। बिल्कुल, देखिए जो भी है मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। देखो स्पेशल क्लासेस का आप टेंशन मत लो, जो भी स्पेशल क्लासेस हैं वो सब की सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। डेली क्लासेस का थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा काम होता है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो सब कुछ देखने के बाद भी आपके लिए थोड़ा टाइम मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी टेंशन मत लो भैया, अपना लगे रहो दम लगा के पढ़ाई।
ओके चलिए तो आगे बात करते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। अर्थक्वेक मतलब धरती भैया हिल गई, सिस्मोग्राफ से मापेंगे। ठीक है जी। पावर ऑफ लेंथ डायोप्टर से मापेंगे, कितना आपका क्या है लेंस का पावर है, चश्मा कितना नंबर है, ये किससे मापेंगे? डायोप्टर से मापेंगे। किससे? डायोप्टर से। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्यूलोज फाइबर। अरे भैया ये सेल्यूलोज क्या होता है? जितने भी लकड़ी हैं या जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ग्लूकोज सेल्यूलोज है। ठीक है, जितने भी प्लांट होंगे उनके अंदर सेल्यूलोज होगा। तो ये सेल्यूलोज इनमें से किसमें होता है? देखिए जी, पॉलिस्टर, रेयान, वूल। वूल किससे बनता है? एनिमल से। तो एनिमल में तो कहीं से प्लांट आया ही नहीं। ये दोनों क्या हैं? आर्टिफिशियल फाइबर हैं। ये कैसे धागे हैं जो इंसान खुद से बनाता है, इनके लिए वो किसी नेचुरल चीज का इस्तेमाल नहीं करता। इनमें से कौन सा हमें प्लांट से मिलता है? वो कॉटन है। अब यहां पे एक सवाल बहुत पूछा जाता है, सर जो रयन है जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, वो रयन क्या सेल्यूलोज से ही तो मिलता है? जी हाँ, वो सेल्यूलोज से मिलता है, लेकिन हम सेल्यूलोज का इस्तेमाल करके उसको किससे बनाते हैं? वैज्ञानिक तरीके से बनाते हैं, इसीलिए कॉटन बिल्कुल बेस्ट रहेगा। 9th क्लास में बहुत पूछते हैं और फिर गड़बड़ कर देते हैं 9th वाले, नहीं सर हम तो रेयन पे जाएंगे, क्योंकि इंसान ना गलत चीजों पे पहले जाने की कोशिश करता है। तो कॉटन क्या है? एनिमल से नहीं, प्लांट से पाया जाने वाला फाइबर है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है बड़ा आसान कि स्किन का प्रॉब्लम। अब देखो पेपर का ना एक तरीका समझो, पेपर का जो तरीका होता है वो होता है कि उसने आपसे पूछा ब्रांचेज या फिर आपसे पूछा एक्सपर्ट। भैया स्किन का प्रॉब्लम का एक्सपर्ट क्या कहलाएगा? तो पेपर में केवल स्किन नहीं आएगा, ये जरूर आएगा कि हाँ ब्रांच या एक्सपर्ट से क्वेश्चन आया। पहले भी आया, आगे भी आ सकता, मींस आपका जो टॉपिक है वो ब्रांच या एक्सपर्ट है। अब ये इसको देखो, इसमें क्या हो सकता है? भाई हार्ट का, भाई हमारे दिल का जो डॉक्टर है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। आपकी हड्डियों का जो डॉक्टर है जिसको क्या है भैया, हमारी हड्डियां कमजोर है कि नहीं, हड्डियों का डॉक्टर क्या होगा? ऑर्थोपेडिक होगा। बच्चों की बीमारियों का डॉक्टर क्या होगा भैया? बच्चों का डॉक्टर जो होता है, क्योंकि बच्चों का अलग होता है, लिखा होता हॉस्पिटल पे, बच्चों का हॉस्पिटल है ना, उसे बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। चौथा होता है स्किन का। चौथा किसका है भैया? स्किन का। स्किन का मतलब भैया हमारी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसे कौन ठीक करेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि स्किन का ब्रांच क्या होता है? डर्मेटोलॉजी। तो जो ब्रांच होता है ना उसमें इस्ट लगा दो, कार्डियोलॉजी में इस्ट लगा दो, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया है ना। आर्कियोलॉजी में इस्ट लगा दो, आर्कियोलॉजिस्ट हो गया। तो इस्ट लगाने से सारी चीजें हो जाती हैं। ओके चलो आगे बात करते हैं हम अगले। तो चारों समझ आ गए ना, तो चारों ही जरूरी हैं। और रटने का जो एक तरीका होता है ना, उस तरीके को आप छोड़ दो। रटने का एक तरीका होता है बच्चों का, उसे छोड़ दो भाई, रटने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि रटने में अगर आपने स्किन प्रॉब्लम रट दी, लेकिन तीन ऑप्शन आप गड़बड़ा गए, आपको करना तो तीनों ऑप्शन थे लेकिन गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि रटने पे आपका ज्यादा ध्यान रहा। तो रटना मेरी क्लास में बिल्कुल कम रहना चाहिए, क्योंकि मैं बिल विश्वास ही नहीं करता रटने पे, ना मैं किसी ट्रिक पे विश्वास करता हूं। विश्वास जो होता है वो होता है आपके काम करने पे, कि आप करिए। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगला सवाल, ट्रांसफर ऑफ हीट। अरे भैया ये जो हीट है ना, ये जो हीट हो रही है, हीट का मतलब सर्दी गर्मी दोनों हो जाते हैं भाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है ना, तो ये सब होता क्यों है, कैसे होता है? लोहे का हमने एक रॉड लिया, एक हिस्से को गर्म किया, दूसरा हिस्सा अपने आप गर्म हो जाता है, ये होता कैसे है? सारी चीजें, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों में अलग अलग तरीके से हीट चलती है। भाई लोहे की रॉड को लोगे तो लोहे की रॉड में हीट जो है वो बिना चले आपकी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाएगी। अगर आप लोगे किसी लिक्विड चीज को, उसमें हीट अलग चलती है। और अगर आप लोगे किसको, अगर आप लेते हो ऐसी चीज को जिसमें कोई जरूरत ही नहीं है, सूरज की रोशनी हमारी धरती पे आ रही है, तो उसे अलग बोलेंगे। अब यहां पे भाई ट्रांसफर ऑफ हीट मून पे कैसे होता है?
प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये आरएमएस में। मून पे जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो केवल रेडिएशन से होता है, क्योंकि मून पे ना तो कोई सॉलिड है और मून पे ना कोई गैस है। अगर गैस और सॉलिड नहीं है, वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ना तो वहां कंडक्शन होगा ना वहां कन्वेक्शन होगा, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। मून क्या करता है, सीधे सूरज की रोशनी पड़ती और गर्म हो जाता है। अगर हमारा सड़क गर्म हो गई सूरज की रोशनी से तो उसे रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। सूरज की रोशनी से अगर सड़क गर्म हो गई तो उसे क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, रेडिएशन। कैमरा क्लोज नहीं बेटा, ये थोड़ा सा ना स्क्रीन पे फॉन्ट बड़ा कर रखा है और ज्यादा अच्छा आपके लिए, आपको ज्यादा बहुत अच्छे से दिखाई चीजें दे रही है, ठीक है। अब एक और चीज होती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब जब कोई चीज किसमें, गैस में या लिक्विड में क्या करती है, आपके हीट को ले जाती है। सपोज करिए रात को भी गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी जो गैस होती है वो हीट को पकड़ लेती है, भाई जाने नहीं देंगे, और रात में गर्मी होती है। सूरज तो नहीं होता सर, फिर रात गर्म क्यों होती है, रात गर्म होती है कन्वेक्शन की वजह से, टेम्परेचर बढ़ता है कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है। मतलब गैस क्या कर देती है, आपके आसपास को गर्म कर देती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है गैल्वेनोमीटर। अब आप गैल्वेनोमीटर मत देखिए, आप देखिए डिवाइस। आप क्या देखिए, डिवाइस, कि आपके सामने एक डिवाइस पूछी गई है। और केवल गैल्वेनोमीटर नहीं, आपसे और भी चीज है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, भाई सिस्मोग्राफ, ठीक है, कोई भी डिवाइस आपसे पूछी जा सकती है, लेक्टोमीटर पूछा जा सकता है। तो आपको सारी डिवाइसेज जो बताई गई हैं वो याद करनी होंगी, और डिवाइसेज के ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक आपको वीडियो पहले करवा चुका हूं, ठीक है जी। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बिजली के करंट को मापने के काम आता। कैसे करंट को मापने के, लो करंट को, बहुत कम करंट जो होता है, जैसे भाई आपका कोई चार्जर है, आपके चार्जर को बहुत कम करंट की जरूरत होती है ना, मोबाइल चार्जर को, लेकिन भाई आपकी प्रेस को या उनको बहुत ज्यादा करंट की जरूरत होगी। तो ये कम करंट को कौन मापता है, गैल्वेनोमीटर। कम करंट को कौन मापता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बिल्कुल विंटर में जो रॉड होती है वो वार्म नहीं होती, विंटर में रॉड जो होती है वो ठंडी हो जाती है, समर में गर्म होती है, ओके। चलिए उसके बाद क्लॉव क्या होता है, क्लॉव बोलते लौंग को। लौंग आप सबने सुना होगा, लौंग चाय में डाली जाती है, और लौंग ऐसी होती है, इसमें ऐसे निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो लौंग क्या है, लौंग भैया आपका क्या होती है, ऐसे होती है लौंग, उसको यहां से तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लावर बड होता है, इसे क्या बोलते हैं, फ्लावर बड। आ रहे में इसमें पूछा जा चुका, आ रहा है ईएमसी में पूछा जा चुका, बहुत जरूरी है, और पिछली बार सैनिक स्कूल में आया था। देखो जो भी हमारे दुनिया में पेड़ हों, पौधे हों, फूल हों, फल हों, वो पेड़ के किसी ना किसी हिस्से पे लगते हैं। सपोज करिए कोई जमीन के नीचे लगता है तो वो क्या होगा, एक अंडरग्राउंड स्टेम या रूट होगा। कोई ऊपर लगता है तो वो स्टेम होगा। कोई पेड़ पे लग रहा है वो फ्रूट हो सकता है। तो ऐसे ही क्लॉव क्या होता है, एक फूल होता है, एक फूल के ऊपर का ऐसे हिस्सा होता है जिसे तोड़ के निकाला जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लावर बड। तो लॉन्ग एक फ्लावर बड है। अब मैं आपके सामने छोड़ के जाऊंगा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, पटेटो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप पटेटो है क्या, स्वीट पटेटो पिछली बार पेपर में आया था, तो पटेटो जो आप खाते हो ना, आलू, आलू क्या है, एक रूट है कि एक स्टेम है कि एक फ्रूट है, ये मुझे आप बताओगे, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, कि भाई जो हमारा खून है उसको साफ कौन करता है। आपको पता है आपका जो खून है उसमें कई चीज पार्टिसिपेट करते हैं। आपका हार्ट पंप करता है खून को, सबसे बड़ा हिस्सा हार्ट का होता है खून में, लेकिन आपके लिवर का भी बहुत बड़ा उसमें रोल है, आपके किडनी का भी बहुत बड़ा रोल है, और आपके लंग्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इन चार चीजों का आपको उस खून को फिल्टर करने में रोल होता है, ठीक है। हार्ट पंप करेगा, ये आपके यूरिया को निकालेगा, लंग्स आपके CO2 को निकालेंगी, ऑक्सीजन को डालेंगी उसमें, किडनी क्या करेंगी, असलियत में प्योरीफाई करेंगी, किडनी इसमें से वेस्ट को निकालेंगी, कोई भी वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो किडनी क्या करता है, वेस्ट
पोटैटो एक स्टेम है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट नहीं बोलेंगे हम इसे, अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे, ठीक है। पोटैटो को हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे। किडनी क्या करती है? हमारे शरीर में जो खून है, उस खून के अंदर जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं उनको पानी के साथ शरीर से बाहर निकालेगी, पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकालेगी। 5% जो यूरिन में यूरिया या अनवांटेड चीजें होती हैं, तो उसको कौन बाहर निकालता है? उसको बाहर निकालता है आपका किडनी, ठीक है जी। अगला सवाल, लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, हरे कलर के क्यों होते हैं? अरे भैया ये क्या सवाल, सारे पत्ते हरे कलर होते हैं सर, हम कहां से बताएं? अरे भैया सच में एक कारण है जेन्युइन, कि जो खून का रंग है वो लोहे की वजह से लाल है, लेकिन पत्तों का रंग लाल क्यों नहीं है? पत्तों का रंग तो सर क्या है? हरा है। तो जितने भी लीव्स होते हैं, भाई हमारा पेड़ है, पेड़ में मेनली क्या होते हैं? ये लीव्स होते हैं, ये क्या होते हैं भैया? स्टेम होती है, अंदर क्या होती है? रूट्स होती हैं, ठीक है जी। ये तीन चीजें सबसे जरूरी होती हैं। पत्तों पे क्या पड़ता है? पत्तों पे पड़ती है सनलाइट, सनलाइट से क्या बनता है? खाना। खाने बनाने को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। पेड़ खाना किससे बनाता भैया? फोटोसिंथेसिस। फोटो मोड बोले तो सनलाइट से, सूरज की रोशनी से खाना बनाता है, उसी से हमको ऑक्सीजन देता है और आसपास की CO2 को लेता है, ठीक है। स्टेम क्या करता है? इसको मजबूती प्रदान करता है। रूट क्या करता है? इसको मिनरल और वाटर देता है। पानी तो हम जमीन के अंदर ही डालते हैं ना, तो मिनरल वाटर कौन देता है? आपके रूट देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रीन है तो क्यों है? क्योंकि इनकी सेल के अंदर क्लोरोफिल है। इनकी सेल के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। इंसान के अंदर नहीं होता क्लोरोफिल, नहीं तो इंसान भी ग्रीन ग्रीन हुआ घूमता। इंसान के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ओके। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दो चीजें और आ गई भैया, ये कहां से आ गई सर? ये और आ गई जाइलम और फ्लोएम। भैया जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? पानी के शरीर आपके पेड़ के अंदर पानी ऐसे जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, कौन लेके जाते हैं? जाइलम लेके जाते हैं। खाना ऊपर से नीचे की तरफ आता है, खाने को कौन करते हैं? फ्लोएम, मतलब फूड को फ्लोएम और जाइलम जल, वाटर है ना, वाटर को जाइलम। वाटर तो नीचे से जाता है रूट से, बस सिंपल है। उसके बाद आगे बात करते हैं भैया, एक और बहुत जरूरी क्वेश्चन, बन मेरे सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, पूछने वालों के लिए भी, और हर बार सबको पता होता फिर भी गलत करके आ जाते हैं। भैया बल्ब है, बल्ब क्या? जैसे हम लट्टू बोलते हैं ना, ये जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब है इसमें क्या होता? मेरे को तो बल्ब अच्छे से बनाना भी नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी होता है, छोड़ो जैसे भी होता हो। बल्ब जो होता है, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा की गई थी। किसने की थी भैया? थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। अब ये जो थॉमस अल्वा एडिसन था, बोला जाता 10,000 बार में जाके बल्ब बनाया, जो चमकता है, जिससे उजाला हो रहा है। ये जो बल्ब है, इसके अंदर एक ऐसा मेटल डाला जाता है जो मेटल जले ना। क्यों नहीं जले? क्योंकि बल्ब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो ऐसा कोई मेटल चाहिए जो जल ना पाए, जो पिघल ना पाए। तो ऐसा मेटल ढूंढ के लाए टंगस्टन। कौन सा मेटल ढूंढ के लाए? टंगस्टन ढूंढ के लाए। तो कौन सा मेटल यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में? फिलामेंट मींस एक वायर सा होता है बल्ब के अंदर, तो वो क्या होता है? आपका टंगस्टन होता है। तो दोनों सवाल पता चल गए। बल्ब की खोज किसने की? अरे अल्वा एडिशन है, ऑलवेज एडिशन नहीं है, ओके। तो बल्ब ये खोज, मेरे पास बल्ब का चित्र बनाना नहीं आता भैया अच्छे से, सच बता रहा हूं, नहीं बना पाया। ओवर कब होगी क्लास? जब हमारा और आपका भाई मजा बिगड़ जाएगा पढ़ाने में, ओके। चलो और लाइक ठोक दिया करो। देखो मैं स्पेशल क्लास होती है ना, तभी आपको लाइक के लिए बोलता हूँ, नॉर्मल क्लासेस में नहीं बोलता। स्पेशल क्लास है भैया, साइंस का मैराथन है, वो साइंस जो RMS में 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आए, RIMC में कम से कम 10 बार आ जाते हैं, वही साइंस का क्वेश्चन है। तो दबा के ठोक दो लाइक। RIMC जून पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, मेहनत करोगे तो। मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये मेहनत तो भैया बड़ी मुश्किल चीज है सर, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज मेहनत है। आप भाई प्लेलिस्ट देख रहे हो पिछले 25 दिनों से, तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लेलिस्ट देखने के बाद आप पेपर पास कर लोगे, ये मुझे पता है। एल्टीमीटर का यूज होता है हाइट को मापने के लिए, भैया हमारे पहाड़ की कितनी हाइट है, जो हवाई जहाज है वो कितनी हाइट पे है, तो एल्टीमीटर का होता है आपका हाइट, ठीक है। एल्टीमीटर हाइट के लिए यूज होता है, ओके।
चलिए आगे बात करते हैं हम, अगला जो है भाई फिर विटामिन आ गया। भाई सर आपको तो ना इस विटामिन से क्या लगाव है, जब देखो तब विटामिन, जब देखो तब विटामिन। हाँ भैया विटामिन जरूरी इतना, एक दिन पहले बोला था आरएमएस के पेपर से आ गया, सैनिक स्कूल के पेपर से एक दिन पहले बोला आ गया, अब फिर आ सकता है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन वो हैं जो हमारे बीमारियों से मदद करते हैं। भाई हमने जूस पिया विटामिन मिल गया है ना, हमने भैया सपोज करिए दूध पिया विटामिन मिल गया। अब हमारे विटामिन की बात की जा रही है आंखों की, जब भी हमारी आंखों की बात की जाए, आंखों को कैसे लिखो, आंखें है ना, डबल ए और ऐसे लिखिए आंखें, तो आंखें मतलब ए से आंखें, ए से क्या हो गई हमारी आंखें हो गई। एकमात्र चीज जिसमें मैं आपको ट्रिक से बता सकता हूं वो ये है, विटामिन बी बोले तो बेरी बेरी, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, बी बोले तो बेरी बेरी, सी बोले तो स्कर्वी, आपके दांत और मसूड़े खराब हो जाएंगे, और डी तो सही भैया आया था पेपर में, डी तो आया था ना किसमें, रिकेट्स में, डी से कौन सा होता है, रिकेट्स, रिकेट्स बोले तो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ई से इनफर्टिलिटी होती है, बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे विटामिन ई से, और आपका आखिरी क्या रह गया विटामिन के, के फॉर क्लॉटिंग, खून जमने में दिक्कत होगी, तो ये क्या हो गई आपकी छह विटामिन काम की, और छह से होने वाली बीमारियां, ए से होती है आंखों की कमजोरी, आंखों की कमजोरी मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की कमजोरी बोले तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है जी, आंखों की कमजोरी बोले तो नाइट ब्लाइंडनेस, समझ गए जी, बिल्कुल समझ जाना चाहिए आपको। आगे बात करते हैं, अब विटामिन तो भाई मेरी फेवरेट है, आप भी अपनी फेवरेट बना लीजिए। आगे है मशरूम, मशरूम क्या होता है भैया, मशरूम वो होता है जो खाने में यूज करते हैं है ना, ढाबे पे जाते हो मटर मशरूम खाते हो, अरे भैया वो जो मटर मशरूम है वो आपको पता है एक पौधा है, आप एक पौधा खा रहे हो, पौधा नहीं है वो, एक लिविंग थिंग है जिसका नाम है फंगस, फफूंद, आप एक फफूंद खा रहे हो, फफूंद मतलब जो बेकार चीज खाने पे लग जाती है सफेद कलर की, बेकार कर देती है खाने को, तो वो आप फंगस खा रहे हो, तो आप क्या खाते हो, एक फंगस खाते हो। मशरूम क्या होता है, फंगस, अच्छे वाला फंगस, बेकार वाला फंगस कौन सा है, बेकार वाला फंगस यीस्ट होता है, ठीक है, अच्छा भी है ये बुरा भी है, यीस्ट जो है ये अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है जी। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो आपके खाने को बेकार कर देते हैं, कुछ फंगस आपको बीमार कर देते हैं, बीमारी होती है रिंग वॉर्म, दाद, दाद बीमारी जानते हो ना, हाथों पे होती है, पैरों पे, स्किन पे होती है, तो फंगस के कारण होती है, वो किसके कारण होती है, फंगस के, बिल्कुल, फ्लामेंट जो होता है वो रेसिस्टेंट देता है बल्ब को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बल्ब खराब ना हो पाए। डिसलाइक ठोको, देव मलिक कह रहे हैं भैया डिसलाइक ठोको, आपका मन है भैया, अगर आपको लग रहा हो बेटा यीस्ट हमेशा गुड नहीं होता, यीस्ट अच्छा भी है यीस्ट बुरा भी है, यीस्ट जो होता है वो अच्छा भी है वो बुरा भी है, कई चीजों में अच्छा है, जैसे भैया क्या करता है, ब्रेड बनाने में काम आता है, ब्रेड को खराब करने में भी काम आता है ना, शराब बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, विच कलर ऑफ लाइट, कौन सा, अब देखो ये जो लाइट है इसके सात रंग है, सात रंगों को बोला जाता है विबग्योर, लाइट के सात रंग है, सात रंगों को बोलते हैं विबग्योर। स्कैटर मतलब होता है फैलना, भैया एक रंग है ज्यादा फैलता है दिखने में प्रॉब्लम होती है, एक रंग है बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा दिखता है, मतलब आपसे पूछा जाता है मोस्ट, सबसे ज्यादा, अरे भैया कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा फैलने वाले की, कम की बात नहीं कर रही, फैलेगा तो दिखेगा नहीं, फैलेगा तो दिखेगा नहीं, तो ये फॉर्मूला याद रखो विबग्योर, विबग्योर में ये ज्यादा फैलेगा और ये कम फैलेगा, अगर ये कम नहीं फैलता तो रेड से डेंजर का साइन नहीं बनाया जाता, रेड दूर से दिख जाता, भाई लाल रंग है सबसे ज्यादा दिखने वाला रंग, रेड ही होता है, हम कहीं भी देखते हैं हमको लाल 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 दिखती है दुनिया है ना, तो वो लाल क्या है, सबसे कम फैलने वाला रंग जो आसानी से देखा जा सके, तो ये कम है इसीलिए डेंजर का साइन है, ये ज्यादा है इसीलिए वायलेट को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हम वायलेट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। आरएमएस का फॉर्म आएगा भैया जी सितंबर या अक्टूबर में, मेरा जो नाम है भैया वो है धर्मेंद्र, आपके स्कूल का नाम है विबग्योर, बिल्कुल, देखिए विबग्योर क्या है, आपके सात रंग।
चलिए तो सात रंग कौन से हैं? वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। सबसे ज्यादा दिखने वाला रंग रेड होता है। अगला है आपका कौन सा मेटल? मेटल कोई भी ठोस चीज हो सकती है जिसमें से बिजली आर पार हो सके। तो कौन सा मेटल है जो सबसे हल्का है? हल्का मतलब देखिए, अब हम हल्के की बात कर रहे हैं तो सबसे भारी की भी बात कर लेते हैं। भारी मतलब सबसे ज्यादा डेंस मेटल, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? ऑस्मियम। हैवीएस्ट कौन सा है बेटा? ऑस्मियम मेटल सबसे ज्यादा भारी है। लेकिन सर हमसे तो हल्का पूछा, भाई हल्के के साथ भारी फ्री मिल रहा है, तो आप भारी को भी याद कर लो। हल्का जो मेटल है उसका नाम है लिथियम। सर लिथियम यूज कहां करते हैं? लिथियम यूज करते हैं फोन की बैटरी में, मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें लिथियम। अभी कुछ दिन पहले भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले थे, मींस हम भी अपनी बैटरियों को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब हमको चीन में या और देशों में मैन्युफैक्चर करवाना होता है। तो लिथियम क्या है? सबसे हल्का, दुनिया का सबसे हल्की चीज है हाइड्रोजन। दुनिया में सबसे हल्की चीज है हाइड्रोजन, ठीक है? अगर लाइटेस्ट चीज, लेकिन ये नॉन मेटल है। ये क्या है? एक नॉन मेटल है। तो दुनिया का सबसे हल्का सामान हाइड्रोजन है और दुनिया का सबसे भारी सामान ऑस्मियम है। दुनिया का सबसे भारी सामान ऑस्मियम। देखो सैनिक स्कूल के जो फॉर्म है वो मिलिट्री स्कूल के फॉर्म से महीना 20 दिन बाद आएंगे, और सितंबर और अक्टूबर दो चीजें याद रखो, सितंबर और अक्टूबर दो चीजें याद रखो, दो महीने याद रखो, सितंबर अक्टूबर वहां पे होने वाला है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्क में कौन सा मेटल? आयरन नहीं मिलता भैया, मिल्क में कौन सा मेटल नहीं मिलता? लोहा। मिल्क के अंदर लोहा नहीं होता, मिल्क के अंदर क्या नहीं होता? लोहा नहीं होता। ओके चलो आगे बात बताते हैं हम आपको अगली चीजों का। ये बहुत ही काम का, नाइन्थ क्लास का कोई भी साल का पेपर उठा लो, कोई भी साल का नाइन्थ क्लास का पेपर उठा लो, ये जरूर आता है कि भैया एक जो फ्रॉग होता है ना वो सीधे फ्रॉग नहीं होता, फ्रॉग देता है अंडे। फ्रॉग क्या देता है? अंडे देता है। अंडा क्या बनता है? टैडपोल बनता है। टैडपोल से क्या बनेगा? फिर फ्रॉग बनेगा। मतलब ये क्या है? प्रोसेस डायरेक्ट नहीं होती, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। पहले फ्रॉग अंडा देगा, अंडे से टैडपोल बनेगा, टैडपोल से फ्रॉग बनता है, ठीक है? तो याद रखो फ्रॉग का अंडा किसमें डेवलप होता है? टैडपोल में। और इसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं भैया इसे? मेटामॉर्फोसिस। बहुत ही जरूरी है मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस में कौन सी चीज चाहिए होती है? आयोडीन। इस साल पेपर में आया था नाइन्थ क्लास आरएमएस में, आयोडीन जरूरी होती है मेटामॉर्फोसिस के लिए। और एक और चीज होती है मेटामॉर्फोसिस, प्यूपा। प्यूपा बोले तो प्यूपा होता है सिल्क वॉर्म का। प्यूपा किसका है? सिल्क वॉर्म का प्यूपा होता है, जिससे कीड़ा बनता है, जिससे कौन सा? सिल्क वॉर्म का कीड़ा बनता है। ओके चलिए, तो भैया देखिए आप सबका प्यार इतना रहता है, आप सबका प्यार रहता है। सर आप बहुत अच्छी वीडियो, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो मेरे जो कोशिश है वो अच्छी बुरी वीडियो बनाने का नहीं है, मेरा कोशिश होता है चीजें समझ में आए, मेरी कोशिश होती है कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं और कम से कम आप जिंदगी भर याद रखो कि भैया हाँ कोई टीचर था, अच्छा लगता था, बढ़िया लगता था, ठीक है हमारी सोचता था। तो मेरा जो लाइफ का ना जो गोल है वो असलियत में यही है कि मैं आपके लिए अगर कुछ कर सकता हूं जिंदगी में तो मैं वो आपके लिए करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ओके चलिए आगे बात करते हैं भैया गल्वेनाइजेशन। ये जो सवाल है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, मेरे हिसाब से अगर पिछले कुछ साल के पेपर उठा के देखोगे तो गल्वेनाइजेशन पे बहुत सवाल आते हैं। लोहा है, लोहा खराब हो जाता है जी, क्यों? जंग लग जाता है। क्या करो इसमें? जिंक लगा दो। जिंक लगाओगे, अब आपने कभी लोहे के पुल देखे? लोहे के पुल खराब क्यों नहीं होते? सपोज करिए आपका लोहे का पुल है हावड़ा ब्रिज, खराब नहीं हुआ, लोहे का ही बनाया है, कोई सोने चांदी का नहीं बनाया। लेकिन क्या करते हैं? पुल में हम जिंक चढ़ा देते लोहे के ऊपर, इसे बोलते हैं गल्वेनाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? गल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब ये सवाल सबको पता होगा लगभग, लेकिन देखो हर बार आपकी जो उम्र है ना वो ऐसी है कि आपने ये चीजें पहली बार सुनी होंगी, लेकिन आपको पता लोहे में जंग लग जाता है, आपने पुल भी देखा है, लेकिन पुल में जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि पुल गल्वेनाइज होता है।
पुल में जो लोहा होता है वो गल्वेनाइज्ड आयरन होता है, वो आपका जिंक के साथ मिला हुआ आयरन होता है, जिससे क्या नहीं होता, आपके ये चीजें नहीं होती। ओके चलो, तो भैया दबा के लाइक ठोक दिया करो, इतना मैं आपको नहीं, सर आई सेड यू आई एम इजीली नॉट एबल टू स्पीक हिंदी। भैया हिंदी अगर नहीं हो पाती है ना, तो भैया चीजें वैसे मैं समझा देता हूँ, इंग्लिश लिखी होती है और जहाँ ज्यादातर जो चीज है वो समझने वाले हिंदी ही समझने वाले हैं, इसलिए हम भी कोशिश हिंदी के, देखो आखिर में चीज समझ में आनी चाहिए किसी भी भाषा में हो। 53,000 सब्सक्राइबर्स के लिए आपका धन्यवाद है भैया, आप सबका धन्यवाद है। हमने शुरुआत जीरो से की थी और दुनिया में जो शुरुआत होती है वो एक बहुत बड़े जीरो से होती है, जो भी पहुंचा है ऊपर उसने शुरुआत जीरो से की है। तो भाई यही था, आप सबका साथ मिलता चला गया और आज हम 53,000 पे पहुंच गए और उम्मीद करेंगे आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। ओके चलो आगे बात करेंगे हम, क्रोमियम के साथ क्या होता बेटा, क्रोमियम से होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी भी आप देखोगे भाई टंकियां होती हैं या गाड़ी है, गाड़ी पे बहुत शाइनिंग वाला लोहा लगा होता है, वो जंग नहीं लगता, तो उसमें क्रोमियम लगाया जाता है। क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है और जिंक से गल्वेनाइजेशन होता है। अगला बड़ा आसान है, देखते हैं जी क्या है। एक तो बीमारी पूछी है, ट्रांसमिट होती है किसके द्वारा, एडीज मॉस्किटो। देखो मच्छर के द्वारा बीमारी होती है, अभी मच्छर का वैसे सीजन भी चल रहा है भाई, आप खूब वो लगाते होंगे कॉइल वगैरह, खूब अगरबत्ती लगाते होंगे, ऑल आउट लगाते होंगे, मच्छर नहीं मर रहे, क्यों? कारण है भैया ये मच्छर जो होते हैं भाई इनको तो जिंदा रहना, मौसम ऐसा है। अब ये मच्छर हमको बीमार कैसे करते हैं भैया, मच्छर बीमार करते हैं, सपोज करिए एडीज मच्छर है, एडीज मच्छर के अंदर एक वायरस बैठा होता है, वायरस क्या करेगा, वायरस करेगा आपके शरीर में जाएगा और आपके ब्लड को इन्फेक्ट करेगा, ब्लड को इन्फेक्ट करेगा तो आपको कौन सी बीमारी करेगा, डेंगू बीमारी हुई, तो एडीज से क्या होती है, डेंगू बीमारी होती है। अब डेंगू बीमारी क्या करेगी, आपकी हड्डियों को तोड़ के रख देगी, आपके शरीर को तोड़ के रख देगी और आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। डेंगू मलेरिया ये मच्छरों से होता है, लेकिन दोनों के अलग अलग मच्छर होते हैं और दोनों के अंदर वायरस और प्रोटोजोआ भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। रिंगवर्म दाद होता है, फंगस के कारण होता है। हेपेटाइटिस पीलिया को बोलते हैं, जो आपके लिवर को खराब करता है, आंखें पीली हो जाएंगी, शरीर पीला हो जाता है। स्लीपिंग सिकनेस एक मक्खी से होता है, आपको पता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा कोई मारता है तो वो मच्छर है और सबसे ज्यादा बीमार करता है मक्खियां। दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान अगर बीमार होता है तो वो मक्खियों की वजह से, सबसे ज्यादा इंसान मरता है तो वो मच्छरों की वजह से। ओके तो स्लीपिंग सिकनेस मच्छर से होता है, मच्छर का नाम है सीसी फ्लाई, मच्छर का नाम क्या है, सीसी फ्लाई। चलिए और बता दूं, लिवर को अफेक्ट करता है बेटा हेपेटाइटिस, किसको करता है, आपके लिवर को। सबसे जरूरी चीज है आपके लिए लिवर, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मींस डिटर्जेंट, सर्फ पाउडर जिससे आप अपने कपड़ों को साफ करते हो, वो क्या है, वो एक केमिकल है। बहुत बार पूछा जाता है, तीन सोडा याद रखो, तीन सोडा याद रखो पेपर में, आपको इससे बाहर कोई सोडा नहीं, तीन क्या चार सोडा कर लेते हैं, एक सोडा वो भी कर लेते हैं जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है जी, इसके अलावा वॉशिंग सोडा और एक खाने वाला, किसमें डालते हो, छोले भटूरे में, भटूरे में जो डाला जाता है वो होता बेकिंग सोडा, वो क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो तीन सोडा तो ये हो गए, चौथा सोडा आपका वो हो गया जो आपको लाइमस्टोन जिसे बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं, कास्टिक सोडा होता सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वॉशिंग सोडा होता है आपका Na2CO3, Na2CO3 बोले तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा होता सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। केमिकल खा रहे हो भैया आप क्या खा रहे हो, केमिकल खा रहे हो, ठीक है। मुझे सर डेंगू मलेरिया दोनों हुआ, अरे वो सोडा जो पीने वाला है वो सोडा अलग है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है जी। ओके चलो आगे बात करते हैं, अगला है एंटी मलेरिया। देखो जी मलेरिया की बातें आ गई हैं, मलेरिया होती क्या है, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो फीमेल एनाफिलीज से फैलती है। बड़ा अजीब मच्छर होता है ये, कैसा मच्छर है, ये वो मच्छर है जो मोटा ताजा मच्छर होता है, फीमेल एनाफिलीज बोलते हैं इसे, ठीक है। खून होता है काफी इसमें, इसके अंदर एक प्लाज्मोडियम नाम का क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट वो होता है जो दूसरों के शरीर में जाकर के बैठ जाता है और उन्हीं से
खाना लेता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसके अंदर होता है, ये आपके खून में चला जाएगा और ये आपको क्या कर देगा, बीमार कर देगा। लेकिन इसके लिए एक दवाई बनाई है कोनाइन, इस दवाई का नाम है कोनाइन। कोनाइन निकलती है पेड़ से, पेड़ का नाम है सिंकोना। पेड़ का नाम क्या है? सिंकोना। सिंकोना की खाल को उतार करके क्या किया जाता है, तैयार कोनाइन दवाई। बार बार बताया, 4-5 बार ये कोनाइन रिपीट हो चुका होगा। ओके, तो कोनाइन क्या है, व्हाट इज द फी फॉर ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस भैया हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो, वही फीस होती है जो सबसे ली जाती है। और ऑनलाइन क्लासेस में उम्मीद यही रहती है भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन में हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बस ओनली डिस्क्रिमिनेशन होता आपकी मेहनत। यहाँ हम खुद मेहनत कराते हैं, ऑनलाइन में आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद रबड़, पता है आपको पेड़ होता है, रबड़ का पेड़ होता है, याद रखना ये भी। अगला सवाल, परसेंटेज ऑफ लेड। भाई बहुत बार पूछा जाता है लेड क्या होता है। लेड है एक मेटल, जैसे शीशा बोलते हैं। लेड पेंसिल है नॉर्मल पेंसिल जो आप इस्तेमाल करते हो, भाई नटराज वगैरह का पेंसिल। तो लेड पेंसिल में कितना लेड होता है? लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, एक पत्थर होता है, और 0% लेड। कोई लेड थोड़ी है, उसके अंदर ग्रेफाइट है, एक पत्थर है। जो लिखता है ना वो एक पत्थर होता है, जो लिखता है वो क्या होता है, एक पत्थर होता है। तो याद रखोगे, बार बार आता है और गलतियां कर देते हो। गलतियां नहीं करनी भाई, अभी से सीखोगे तभी गलती नहीं करोगे, नहीं तो फिर कहते हो भाई पता नहीं कहां से तो पेपर आता है, कितना कठिन पेपर आता है। भाई कठिन नहीं आता पेपर, उनके लिए जो पढ़ते हैं हमेशा आसान होता है, ठीक है। ओके, पेपर्स कितने टाइप के होते भाई, ये तो डिपेंड करता मोटा पेपर छोटा पेपर, इस पे थोड़ी बातें हैं। कोई पेपर्स कितने टाइप के होते हैं ये आपका, अगर आप अच्छे से इसे पूछना चाहो कि किस प्रकार के पेपर की आप बात कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं बातें। सब्सटेंस रिच इन किसमें, गुड फॉर टीथ एंड गम। आपके दांत और मसूड़ों के लिए कौन सी चीजें हैं जो अच्छी हैं, कौन सा विटामिन वाला, कौन से विटामिन वाली चीजें? सी, अरे आसान है भैया। ए वाला कौन सा है? गाजर खाओ भैया, ए मिलेगा आपको, गाजर खाइए, ठीक है जी। विटामिन बी, गाय का मिल्क पीजिए, विटामिन बी आपको मिल जाएगी। कैल्शियम लीजिए, मिल्क पीजिए, और दूसरा सनलाइट। उसके अलावा सबसे जरूरी कॉड लेवर ऑयल, ये सारी चीजें करिए तो आपको विटामिन डी मिलेगा। लेकिन विटामिन सी के लिए आपको साइट्रिक फ्रूट खाने पड़ेंगे, कौन से? खट्टे जो फ्रूट हैं वो खाने पड़ेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते, विटामिन से परेशान कर देते हैं सर। उसके बाद कौन सा गैस है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस होती हैं, अगर हम उनके परसेंटेज का हिसाब देखें तो 78.08% जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। उसके अलावा ऑक्सीजन गैस होती है 20.95%, गैस का नाम है ऑक्सीजन। उसके अलावा 0.03% होती है CO2। उसके अलावा 0.93% होती है आर्गन। आर्गन को सबसे ज्यादा बेकार इनएक्टिव गैस मानते हैं, जो किसी काम नहीं आती, ये RIMC में आया था क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, कितना? 78%, 2021 में शायद ये पूछा गया था आपके, ठीक है। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे भैया दाढ़ी कटवा ली बस, और तो कोई चीज हुई नहीं, पहले दाढ़ियां थी, दाढ़ी थी, अब वो कट गई। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। तो आर्गन जो है मोस्ट इनएक्टिव गैस है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली इनएक्टिव गैस है, जो किसी काम नहीं आती है, ठीक है जी। चलो आगे, सबसे भारी गैस की बात करते हैं। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, लाइटेस्ट गैस है। अब हम बात करेंगे सबसे भारी गैस की। सबसे हैवीएस्ट गैस है रेडॉन। सबसे हैवीएस्ट कौन सी गैस है? रेडॉन, ठीक है जी। हैवीएस्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। गैसेस पे मुझे नहीं लग रहा है इससे ज्यादा कोई पूछे भाई। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, चीजों को जलाने के लिए ऑक्सीजन, चीजों को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, चीजों को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कैमल। कैमल अपने हम्प का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं भैया? जो कैमल होते हैं ना
ऊंट जो होते हैं उनका ऐसा एक हम्प होता है, हम्प बोले तो कूबड़ उनका, ये इसमें क्या स्टोर करते हैं भैया, ऊंट को जाना है यात्रा पे, यात्रा पे खाना पीना ढंग से नहीं मिलेगा तो उसमें क्या करेंगे, फैट स्टोर कर लेंगे। फैट क्या करता है, हमको लगातार एनर्जी देता रहता जब हमें खाना नहीं खाया होता। भाई मैंने 1 बजे का खाना खाया, अभी नहीं खाया, तो मेरे अंदर का जो फैट होगा शरीर का वो मेरे को एनर्जी प्रदान करता रहेगा, तो उसी फैट को इस्तेमाल करते हैं वो कहीं दूर लंबी यात्रा करते हुए। ठीक है, तो फैट स्टोर करते हैं आपके कैमल, दबा के लाइक ठोको, मना नहीं करता मैं स्पेशल इवेंट में, कभी मैं मना नहीं करता आपको लाइक ठोकने से। आगे बात करते हैं जो बैट होते हैं भैया, चमगादड़, बहुत जरूरी सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। चमगादड़ देखे होंगे, आपको पता है जो ब्लैक कलर के चमगादड़ होते हैं ना उनकी आंखें नहीं होती, चमगादड़ की आंखें नहीं होती, चमगादड़ फिर भी क्या करते हैं, अंधेरे में भागते हैं। भागने का कारण है कि चमगादड़ क्या निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। कौन सा साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसे हम सुन नहीं सकते, उस साउंड को दीवार पे मारते हैं, दीवार से पता चल जाता भैया वापस आना है, आगे कोई ना कोई चीज है, कितनी दूर है ये उसके आने की गति से उनको पता चल जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो भैया, अल्ट्रासोनिक साउंड के द्वारा क्या करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो बड़ा आसान है, वो क्या है, उनकी आंखें नहीं है, वो कानों से, सपोज कर लीजिए कि वो भैया आवाज से चलते हैं, वो किससे चलते हैं, आवाज से चलते हैं। ओके, वो किससे चलते हैं, आवाज से। कौन सी आवाज से, अल्ट्रासोनिक आवाज, जो हमें सुनाई नहीं देती लेकिन बैट क्या करते हैं उसे प्रोड्यूस। अगला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बोले तो एक ऐसी बीमारी जो आपके शरीर में होगी और आपके पेरेंट्स से आएगी, जेनेटिक बीमारी होती है हीमोफीलिया, और जेनेटिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। हीमोफीलिया जो बीमारी है ये जनरली आपके किसको अफेक्ट करेगी, खून को अफेक्ट करेगी। आपका खून क्या होगा, बहता है इसमें बहुत, इस बीमारी में बहुत ज्यादा खून बहता रहता है, मीन्स रुकता नहीं है खून, तो इसे क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। बोन्स की बीमारी होती है रिकेट्स, ठीक है, ऑर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस ये बोन्स की बीमारियां हैं। ब्रेन की बीमारी होती है माइग्रेन, जो आपके पेपर में आई थी। ब्रेन की बीमारी होती है दूसरी मीनिंगाइटिस। लिवर की बीमारी होती है जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। लिवर की बीमारियां हैं जॉन्डिस और हेपेटाइटिस बीमारी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर वो है जो एटम बम, बहुत आसानी से समझ लीजिए कि एटम बम जो होता है वो किस पे काम करता है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। तो अगर हम एटम बम को अच्छे काम के लिए लें तो वो न्यूक्लियर एनर्जी तो रहेगी। तो एटम बम में किस चीज का फिशन, फिशन मीन्स टूटना, कौन सा चीज टूटता है, यूरेनियम टूटता है। दुनिया के सबसे महंगी चीजों में से एक है यूरेनियम, जो टूटता है किसमें, आपके न्यूक्लियर पावर के लिए। एटम बम में से यही टूट के क्या बनाता है, बहुत ढेर सारी एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, ढेर सारी एनर्जी बनाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, कौन सा फ्यूल है जिसका सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू। सर ये क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, अगर किसी चीज को जलाया जाए, अगर किसी चीज को जलाया जाए तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, कौन देगा, आपका हाइड्रोजन, मीन धुआं कम एनर्जी ज्यादा, धुआं कम एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी किसको जलाओगे, कागज को धुआं निकलेगा, लकड़ी को जलाया धुआं निकला, लेकिन हाइड्रोजन को जलाने पे 0 धुआं 100% एनर्जी। ठीक है, ये समझ लो, 0 धुआं 100% एनर्जी। लेकिन कोयले को जलाओ धुआं ज्यादा निकलता है, पेट्रोल को जलाओ फिर भी धुआं निकलता है, हाइड्रोजन को जलाने पे बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता। इसलिए सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मीन सबसे ज्यादा एनर्जी निकालने की जो पावर है वो हाइड्रोजन की है। बहुत आसान है बेटा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की है, बहुत आसान है, आसानी से आप इसे याद कर सकते हो। क्लास जो एंड होगी वो अभी क्लास एंड नहीं होगी भैया, क्लास एंड होगी 9 बजे के बाद।
थोड़ी देर है और कर लेते हैं, बहुत से क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे गलेना की। गलेना ओर क्या होता है? सपोज करिए कोई भी मेटल है, आयरन है, क्या आयरन कुर्सियां बनी हुई या रॉड बनी हुई धरती के नीचे से निकल जाते हैं? नहीं, धरती के नीचे जो भी कच्ची चीज होती है, रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ को क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा सामान, उसे ओर बोला जाता है। तो गलेना, देखो एल्यूमिनियम जैसे बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है, कॉपर जो होता है वो क्यूपराइट के रूप में पाया जाता है, लेड जो होता है वो गलेना के रूप में, आयरन जो होता है वो हेमेटाइट मैग्नेटाइट के रूप में पाया जाता है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट के रूप में आयरन पाया जाता है, ठीक है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला और समझ गए ना कि कोई चीज कच्चे रूप में हमको मिल रही है, ऐसे नहीं होता लोहा जैसे है, लोहा जो है वो पानी के साथ मिलकर के ही निकलता है लगभग, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फिर मजबूत करते हैं। आगे बात करेंगे, अगला है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल जो होता है भैया, देखो जी आप खड़े हुए हो स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल में खड़े हुए पैर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, अरे ये क्या होता है? हमेशा होता है ऐसे लगता है पैर छोटे हो गए हैं स्विमिंग पूल में, ये किसके कारण होता है? लाइट के कारण होता है। लाइट के किस इफेक्ट के कारण? लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण आपको स्विमिंग पूल में अपने पैर ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, आपको मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, आपको क्या होगा, पेंसिल पानी में टूटी हुई दिखाई देगी। तो ये सारे जो फिनोमेना है ये किसके कारण होते हैं? स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग सॉरी रिफ्रैक्शन बोले तो, लाइट आई इंटर की और टेढ़ी होके चली गई, किसी भी मीडियम में लाइट इंटर होके, लेड शीशा होता है बेटा, लेड होता है शीशा, ठीक है, वो मिरर वाला शीशा कह सकते हो, मिरर की तरह का जो शीशा होता है वो लेड कहलाता है, थोड़ा मजबूत होता है उससे, ठीक है, ओके। चलिए तो रिफ्रैक्शन के कारण आपको आपके पैर ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, तो ये क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? टकरा के वापस चली जाती है रोशनी, रोशनी टकरा के वापस चली जाती, अंदर नहीं जाती। सपोज करिए एक आपके सामने क्या है, चेहरा देख रहे हो आप अपना, किस में? आप अपने मिरर में चेहरा देख रहे हो, मिरर पे टकरा के लाइट वापस आ गई, इसीलिए चेहरा आपका दिखाई दे रहा है, तो उसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र नॉन मेटल जो क्या है? लिक्विड है। देखिए जो नॉन मेटल होते हैं मींस ऐसी चीजें जो लिक्विड भी हो सकती हैं, मींस सॉलिड भी हैं और गैस भी हैं, जितनी भी गैस है उनको नॉन मेटल बोलते हैं, इनमें बिजली आर पार नहीं हो सकती। मेटल क्या होते हैं? जिसमें से बिजली आर पार हो जाए और जो जनरली सॉलिड हो। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है? लिक्विड होता है। सारे नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या हैं? सल्फर, ये सब नॉन मेटल हैं जो कमजोर होते हैं, जो सॉलिड नहीं होते, जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन आपका एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। अगला है एनिमल जिनका बैकबोन होता है। हर एनिमल जिसकी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा हो सकता है, ठीक है, वो चल सकता है। तो जितने भी एनिमल आपने देखे होंगे, भले ही वो मैमल्स हों या फिर वो मछलियां हों या फिर वो पक्षी हों, तो वो हर एनिमल का आपने एक चीज गौर किया होगा कि हर किसी का रीढ़ का हड्डी होता है जिसके कारण वो चल पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कीड़े, कीड़े जो होते हैं उनका रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। मच्छर है, तितली है, क्या रीढ़ का हड्डी है? नहीं है रीढ़ का हड्डी। तो जिनका रीढ़ का हड्डी नहीं होता उनको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, जिनका होता है उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं। आसान है, याद कर लो, वर्टिब्रेट बोले तो बैकबोन वाले, जो खड़े हो सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं। जिनका रीढ़ का हड्डी नहीं होता उनको इनवर्टिब्रेट। जितने कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो सब आपके बिना बैकबोन वाले होते हैं। मरकरी मेटल है बेटा। मरकरी जो होता है वो एक मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है। गैलियम एक लिक्विड मेटल है, ठीक है। इन वेजिटेरियन कोई वर्ड नहीं होता बेटा, इनवर्टिब्रेट वर्ड होता है वो जिनका रीढ़ का हड्डी गायब होता है। तो ये दुनिया में चीजें इसी हिसाब से बनी है। कीड़ों की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए कीड़े ऐसे दो पैरों पर नाच नहीं सकते, है ना, तो याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं, मैमल्स आपको मैंने बता दिए, रेप्टाइल मैंने आपको बता दिए, उसके बाद हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज क्या होता है भैया? हर्ट्ज का मतलब है
आपका किसी भी चीज का आना और जाना, ठीक है। सपोज करिए कि भाई साउंड ऐसे आती जाती है, तो हर्ट्स में क्या मापते हैं? फ्रीक्वेंसी को। हर्ट्स में मापते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। हर्ट्स में हम फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। हर्ट्स में किसे मापते हैं? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? हर्ट्स में मापा जाता है। याद रखोगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके जी, तो एसआई यूनिट आपको याद करने हैं। एसआई यूनिट पे मैं एक क्लास में जरूर लेकर के कुछ ना कुछ चीजें आपके सामने जरूर लेकर के आऊंगा। बोरोन जो होता है बेटा, बोरोन जो होता है वो क्या होता है? एक एक मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड बोले तो जो ना मेटल है ना मेटल आपका नॉन मेटल है, मींस दोनों की क्वालिटी रखता है। तो बोरोन, आर्सेनिक, बिस्मत, सिलिकॉन, ये सब क्या है आपके? मेटलॉइड्स हैं। आगे बात करते हैं, अगला है रॉकेट। रॉकेट किस पे काम करता है? देखो, एक वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, वही न्यूटन जिसने ग्रेविटी का बताया, वही न्यूटन जिसने किसी भी चीज के चलने के बारे में बताया। तो किसी भी चीज के चलने पे उसने तीन नियम दिए, तीन लॉ दिए हैं न्यूटन ने। तीन लॉ में पहला लॉ कहता है कि कोई भी चीज चल रही है उसको रोक दो, या कोई भी चीज रुकी हुई है उसको चला दो, जो झटका लगता है। गाड़ी में बैठे हुए एकदम से चल गई, झटका लगेगा। गाड़ी रुकी हुई है, एकदम से चल गई तब भी झटका, और एकदम से रुकती है तब भी झटका लगता है। तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूटन का पहला लॉ, इनर्शिया। दूसरा लॉ कहता है न्यूटन का कि भैया फोर्स, कोई भी चीज अगर चल रही है तो उसे चलाने या रोकने के लिए फोर्स जरूरी होता है। तीसरा नियम है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, मींस चीजें आप क्या कर रहे हो? आगे की तरफ, लेकिन हो पीछे की तरफ रही हैं। रॉकेट जो होता है उसमें से आग पीछे से निकलती है, लेकिन रॉकेट भागता ऊपर को है। आप तैरते ऐसे हो हाथों को पीछे धकेल के पानी, लेकिन पानी आपको आगे धकेलेगा। तो ये क्या कहलाता है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ये क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। ये क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है। आप याद रखोगे, रॉकेट जो है या फिर बंदूक जो चलाई जाती है, गन, एकदम से गन आगे गोली जाती है लेकिन झटका लेती है पीछे की तरफ, तो भी आपका न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम काफी जरूरी है। फोर्थ कोई न्यूटन का नियम नहीं है, तीन नियम दिए थे न्यूटन ने। अरे भैया, कम से कम चौथा चाहिए। गैसियस स्टेट होती है भैया। सपोज करिए कोई गैस है तो वो गैसियस स्टेट कहलाएगी। पानी की गैसियस स्टेट होती है वेपर। पानी की गैसियस स्टेट क्या है? वेपर है। कोई भी फोर्थ लॉ नहीं है, ओके? चलो, और देखो दो चार पांच ऐसे बेहुदा किस्म के बच्चे हैं जिनको ना पढ़ना है ना कुछ करना है। ज्योग्राफी पे भी बिल्कुल मैं मैराथन, हर संडे अब एक मैराथन आएगी, हर संडे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन है, ओके? बिल्कुल, आरएमएस में सिलेक्शन हो सकता है। कृषि कुमार पाठक जी, आरएमएस में सिलेक्शन हो सकता है, बस हिम्मत रखिए और अपना मेहनत जारी रखिए, हो सकता है आपका। इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज क्या होता है भैया? सपोज करिए बिजली है। अब बिजली है, इसके बीच में एक ऐसा वायर लगा देंगे ताकि ये बिजली जो कट सके। कभी कभी तेज बिजली आ जाती है तो वायरिंग फूक जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हमारे अप्लायंस खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। उसके लिए क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया जाता है। अब हर संडे आप आ जाया करो, हर संडे आपको मिलेगा मैराथन क्लास, बढ़ता चला जाएगा कौन 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 सा हम टॉपिक उसमें करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो किसको? इलेक्ट्रिक फ्यूज जो बनता है टिन और लेड का। किसका बनेगा? टिन और लेड का। टिन और लेड को क्या बोलते हैं? सोल्डर। टिन और लेड को बोलते हैं सोल्डर। तो सोल्डर क्या होता है? उससे फ्यूज बनाए जाते हैं। फ्यूज देखे हैं भैया? देखे हैं ना फ्यूज, जो क्या करते हैं? बिजली को पार आर नहीं करने देते, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला है जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा शीशा यूज करते हैं, कौन सा मिरर यूज करते हैं? आपको पता है जो डेंटिस्ट होते हैं उनको भाई अगर दांत में कुछ दिखेगा नहीं तो एक मिरर रखते हैं ताकि उसमें सारी चीजें दिख जाएं। वो मिरर क्या करता है? छोटे को बड़ा दिखाता है। अब दो मिरर होते हैं जनरल, तीन होते हैं वैसे, ये नॉर्मल है जो आप अपनी शक्ल देखने के लिए यूज करते हो, प्लेन मिरर। एक होता है कनकेव मिरर जो छोटे को बड़ा दिखाता है,
एक होता कन्वेक्स जो बड़े को छोटा दिखाता है। तो आपसे पूछा है डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं, कनकेव। डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं, कनकेव मिरर, क्योंकि दांत बहुत छोटा है, दांत के अंदर बहुत छोटी चीज है, उसको थोड़ा सा क्या दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा, उसको क्या दिखाएगा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। और फिर से बोल रहा हूं भाई, दबा के लायक ठोक दो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है अब कि किसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। देखो जी, आपके विबग्योर बताएं, विबग्योर में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सबसे ज्यादा दिखने वाला कौन सा है, रेड है, तो ये कम होगा। ठीक है जी, सबसे ज्यादा फैलने वाला ये है, तो ये अपने आप कम फैलने वाला होगा। अब पूछा है सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें होगी जो सबसे ज्यादा फैल रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वायलेट में। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, वायलेट में है सबसे ज्यादा एनर्जी, रेड लाइट में नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। हाँ, इंटेंसिटी रेड लाइट की ज्यादा है, इंटेंसिटी जो है वो रेड लाइट की ज्यादा है, इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा रेड लाइट की है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी जो पजेस कर रहा है वो वायलेट है। इंटेंसिटी किसकी है, रेड लाइट की। N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है बेटा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O, जिसे लॉफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोले तो N2O। ओके, 300 लाइक का तो टारगेट रखो, अभी तो 300 में दूर है, आज ही डेंटिस्ट के पास गए थे, बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं, अब क्या करेंगे भैया, मोटर व्हीकल में साइड का जो मिरर है वो कौन सा होता है। हम गाड़ी चलाते हैं, ऐसे देखते हैं साइड में, शीशे में दिख जाता, पीछे तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, इतने से शीशे में कैसे दिख जाता है, नॉर्मल मिरर लगाओ उसमें नहीं दिखेगा। भैया बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाने के लिए हम उसमें कन्वेक्स मिरर लगाते हैं। बड़ी चीजों को, गाड़ी है आपकी, गाड़ी या आपकी बाइक है, बाइक के अंदर लिखा होता है उसमें कि भैया छोटी चीजें हैं ना ये क्लोजर दिखती हैं, छोटी चीजें एक तो क्लोजर दिखती हैं, और कैसी दिखती हैं, छोटी दिखती हैं, मतलब बड़ी चीजें थोड़ी नजदीक दिखेंगी और छोटी दिखेंगी। किसमें होता आपके, कन्वेक्स मिरर में, किसमें होता है आपके, कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर क्या है, आपका व्हीकल्स के साइड वाला मिरर है। तो कनकेव पता चल गया, कन्वेक्स पता चल गया। हर संडे 7 बजे आ जाया करो, हर संडे 7 बजे, डेली 8 बजे, डेली 8 बजे आना है, और हर संडे 7 बजे। ओके, चलिए भाई, मेरी भी आवाज ना थोड़ी सी ज्यादा वैसी हो गई, 1 घंटा 40 मिनट चिल्ला चुका हूं। आगे बात करते हैं सोनार की, सोनार क्या होता, सोनार नहीं सोनार, सोनार बोले तो आपका साउंड और नेविगेशन का रेंजिंग, मींस जिसमें क्या करते हो आप समुद्र के अंदर पानी में क्या भेजते हो, साउंड भेजते हो। पानी के अंदर साउंड की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है पता होगा सबको, पानी के अंदर साउंड की स्पीड होती है 1500 मीटर पर सेकंड। सपोज करिए कि ये साउंड 2 सेकंड में वापस आ गई, इसका मतलब हम गहराई माप सकते हैं। फैदोमीटर जो यूज होता है ना, तो सोनार यूज किया जाता है किसके द्वारा, नेविगेटर, नेविगेटर मींस जो समुद्र की यात्रा कर रहे हैं, है ना, समुद्री यात्री जो हैं वही तो आपके नेविगेटर्स हैं। तो नेविगेटर्स के द्वारा सोनार इस्तेमाल होता है, जो देखते हैं कि भैया कितनी गहराई है धरती की, धरती की नहीं समुद्र की। आपका डेट ऑफ बर्थ 14/6/2012 है, आप दिसंबर में बिल्कुल दे सकते हो भैया, डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 14/6 है तो आप दिसंबर का ही नहीं जून का भी दे सकते हो, दिसंबर 23 का दे सकते हो, और जून 24 का भी आपका अटेम्प्ट है, जून 24 का भी आपका अटेम्प्ट है। ओके, चलो स्पेरिकल मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल क्या होता है, गोल। ठीक है भैया, जो गोला वाला मिरर है वो स्पेरिकल मिरर है, जो ऐसे होते हैं जनरली, स्पेरिकल मिरर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे दिखेंगे तो यहां भी दिखेगा और यहां भी दिखेगा, सीधे नहीं होते, थोड़े से कर्व होते हैं, ये क्या होते हैं, कर्व।
आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो दो प्रकार की वेव्स होती हैं। वेव्स क्या हैं? जो तरंगे हैं जो चल रही हैं। दो प्रकार की तरंगे हैं, एक सीधी चलती हैं और एक चारों दिशाओं में चलती हैं। एक सीधी चलती है और एक चारों दिशाओं में चलती है। सीधी जो चलती है इनको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, सीधी चलने वाली को लॉन्गिट्यूडनल। जैसे साउंड है, साउंड बिल्कुल सीधी चलने वाली है, ठीक है जी। और बहुत सी होती हैं जो चारों दिशाओं में चलती हैं, जैसे लाइट। लाइट भी चारों दिशाओं में चलती है, ठीक है। क्या ये लॉन्गिट्यूडनल है? नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वो हैं जो केवल सॉलिड गैस लिक्विड में चलती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वो भी हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस में चलती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो हैं जो हर जगह चलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो हैं जो हर जगह चल सकती हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज, इंफ्रा रेड, गामा रेज, ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। तो वैक्यूम के अंदर नहीं चलती, यही पूछा है ना। वैक्यूम मींस ऐसी चीज जिसमें आवाज नहीं होती, जिसमें हवा नहीं होती। सपोज करिए हम मून पे हैं, मून से अगर हमें कुछ सुनाई देता है तो हमें सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मून पे कोई भी आवाज नहीं होती है। तो मून पे कोई भी आवाज ना होने के कारण हमको क्या सुनाई नहीं देगा? हमको कुछ भी वहां सुनाई नहीं देगा। स्पेस में वैक्यूम होता है, कोई एयर नहीं होती, हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, ठीक है जी। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अगला है क्रायोजेनिक। क्रायो बोले तो लो टेम्परेचर। क्रायो बोले तो लो टेम्परेचर मींस एक ऐसी चीज जो बहुत कम टेम्परेचर पे काम कर सके। एक ऐसी चीज जो बहुत कम टेम्परेचर पे काम कर सके, तो क्रायोजेनिक का मतलब लो टेम्परेचर होता है। क्रायोजेनिक क्या होते हैं? इंजन होते हैं। क्रायोजेनिक क्या होते हैं? इंजन्स होते हैं। तो क्रायोजेनिक जो बहुत कम किस पे काम कर सके? बहुत कम टेम्परेचर पे काम कर सके। कहाँ पे यूज होते हैं? ये रॉकेट में। क्रायोजेनिक जो होते हैं ये रॉकेट में यूज होते हैं। भाई रॉकेट के नीचे बहुत हीट होती है, लेकिन वो फिर भी टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं? बहुत कम बना देते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। तो क्रायोजेनिक लो टेम्परेचर पे यूज किए जाते हैं। अगला है आपका टीवी रिमोट। टीवी रिमोट जो होता है वो क्या यूज करता है? भैया यहीं से चेंज कर देते हैं, मेरे पास ये रिमोट है, यहीं से चेंज कर दूंगा, छोटा बड़ा स्क्रीन को कर दूंगा। क्यों? इसको मैं जब दबाऊंगा तो इसमें से एक रेड कलर का क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा। ये जो रेड कलर का लाइट होता है ये क्या होती है? आपकी इंफ्रा रेड रे होती है, ठीक है। क्या होती है? आपकी इंफ्रा रेड रे है। ये इंफ्रा रेड रे आपके सिस्टम और आपके रिमोट को क्या करेगी? कनेक्ट कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, टीवी रिमोट में हम इंफ्रारेड यूज करते हैं। नाइट विजन जो कैमरे होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं रात को देखने वाले, उनमें भी हम इंफ्रारेड यूज करते हैं। रेडियो यूज करते हैं हम रडार में, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं हम रडार में, यूज करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो इंफ्रारेड यूज करते हैं टीवी के रिमोट के अंदर। अगला सवाल है, आपको किसी भी कीड़े के काटने से दर्द महसूस होता है। भाई कोई भी कीड़ा काटता है तो दर्द महसूस होता है, उसका कारण एक एसिड है। मैंने आपको ये YouTube पे एसिड के बारे में कराया था। तो कोई भी कीड़े के काटने का जो कारण है वो एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? वो फॉर्मिक एसिड होता है। दो एसिड हैं, अगर आपको कोई चींटी काटेगी तो फॉर्मिक एसिड, अगर आपको किसी बी ने काटा, मधुमक्खी ने काटा, तो आपको मीथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मीथेनोइक एसिड आपको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा और आपके शरीर को लाल बना देगा, या फिर आपको और ज्यादा भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो सूजन आती है या जो आपका दर्द होता है वो एक एसिड के कारण होता है। चींटी ने काटा, एसिड आपके शरीर में मिल गया, कौन सा वाला? फॉर्मिक एसिड। अब मैलिक एसिड होता है एप्पल के अंदर, एसिटिक एसिड होता है विनेगर के अंदर। विनेगर क्या होता है? जो आपका सिरका है। लैक्टिक होता है खट्टे दूध में, छाछ में, ठीक है। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, याद कर लोगे? बिल्कुल, आपको याद तो करने ही पड़ेंगे भैया, मजबूरी है। डेट ऑफ बर्थ 2010, बिल्कुल आरआईएमसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। आरआईएमसी 2023 के लिए वो एलिजिबल हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2011 के बाद है।
जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2011 है के बाद है वो दिसंबर 2023 में दे सकते हैं। अब ये मत करना मेरा 12 है मैं दूंगा या नहीं दूंगा, 12 11 के बाद ही आता है। तो जिनका भी आपके बाद में आता है 2011 है जुलाई के, वो सब दे सकते। 300 लाइक का टारगेट तो आपने पूरा कर दिया, बहुत अच्छे हैं आप। डेट ऑफ बर्थ याद कर लो, 2 जुलाई 2011 के बाद का डेट ऑफ बर्थ। छाछ जो होती है भैया, छाछ यूज नहीं करते आप, अमूल छाछ है ना, दही छाछ दूध, इजी है गर्मियों में। लैक्टिक एसिड अच्छा होता है। हीलियम एक गैस होती है जो दूसरी सबसे हल्की गैस है, जिसे गुब्बारे में भरने में यूज करते हैं। RIMC में 3 अटेम्प्ट होते हैं बेटा, RIMC में 3 अटेम्प्ट होते हैं। अगला, कौन इन्वेंटर थे बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया की खोज किसने की? देखो जी, एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, एक फंगस होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, और ठीक है जी, ये चीजें होती है, ये को हमको क्या करती हैं, ये हमको बीमार कर देती है। बैक्टीरिया अच्छा भी है बुरा भी है। अब बैक्टीरिया पे बातें करते हैं। अच्छा बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, क्यों है? लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनता है, किसके कारण? बैक्टीरिया के। दूध से दही बनता है बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, पेपर में आता रहता है भैया, लैक्टोबैसिलस से दही बना दिया। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक बना देते हैं, जैसे पेनिसिलिन वगैरह एंटीबायोटिक होती है। कुछ बैक्टीरिया बीमार कर देते हैं, भैया आपको टाइफाइड हुआ, आपको कॉलेरा हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ बैक्टीरिया की वजह से। वायरस बेकार ही होता हमेशा। तो दुनिया का सबसे छोटा जो चीज है वो बैक्टीरिया है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया है। और मैं आपसे पूछूंगा कि दुनिया का सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, बड़ा फेमस नाम है, तो ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी। ल्यूवेनहॉक जिसने तालाब में खोजा था, सबसे पहली जो सेल इंसान या किसी भी जानवर की खोजी गई तो वो बैक्टीरिया की सेल थी जो तालाब में खोजी थी, और ये ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। और बैक्टीरिया जो है वो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। 2024 के लिए अभी तो भाई डेट 6 महीने आप बढ़ा दिया करो, 6 महीने बढ़ा दिया करो, ठीक है जी। 21/10/2012 है आपका, बहुत है, दिसंबर 2024 में भी दे सकते हो आप, दिसंबर 2024 में भी दे सकते हो। ओके बेटा, टायर्स में गैस नहीं भरी जाती, टायर्स में एयर भरी जाती है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, लास्ट में एलगी रह गए, लेकिन एलगी हमको बीमार नहीं करते, मैंने बीमारी वाले लिखे हैं। वायरस स्मॉलेस्ट नहीं होता, सबसे छोटा होता माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, दुनिया का सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि क्या है एक, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्या है, एक बैक्टीरिया है भैया। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्या है, एक बैक्टीरिया है। फॉर्म कब निकलेगा? अभी तो RIMC के खत्म हुए, अगली बार निकलेंगे बेटा, अभी तो खत्म हुए हैं। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के 2 अटेम्प्ट होते हैं, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के अटेम्प्ट होते हैं बेटा 2। ओके, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्या है, एलगी भैया काम की होते, काई जो होती है ना ग्रीन कलर की, पानी के ऊपर ग्रीन कलर की जो काई होती है उसको एलगी बोला जाता है, पानी के ऊपर ग्रीन कलर की काई होती है एलगी। 2010 डेट ऑफ बर्थ है, 9th के लिए आप दे सकते हो, 9th के लिए दे सकते हो। 25/7/2013 है RIMC, दूं नहीं है बेटा अभी मौका, अभी बहुत दिन लगेंगे आपके मौके को बनने में, ठीक है। 2011 वालों के पास एक चांस अभी बचा है। आगे बात करते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको पता है हमारी मिट्टी को सबसे जरूरी चीज कोई चाहिए तो वो नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि हमारे पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इस बार सैनिक स्कूल के पेपर में आया भी था कि गोबर जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। अब यही हमारी मिट्टी को चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, ये नहीं चाहिए हमारी मिट्टी को, हमारी मिट्टी को नाइट्रेट चाहिए, हमारी मिट्टी को क्या चाहिए, नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, 9th क्लास के लिए भी और 6th के लिए, सबके लिए जरूरी है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है किसमें, जो बीज वाले पौधे होते हैं, जैसे कि दाल हो गई, जैसे कि भैया आपकी मटर हो गई, जैसे कि भैया आपका क्या हो गया, मेनली तो दाल मटर और चना, दाल मटर और चना, इनके अंदर क्या पाया जाता है आपका राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को पेड़ों के लिए काम का बना देता है।
नाइट्रोजन को पेड़ों के लिए काम का बना देता। पेड़ों में भैया क्यों डाला जाता है खाद, तो वो इसीलिए डालते ताकि उसकी न्यूट्रिशन की क्षमता बढ़े, ताकि उसके न्यूट्रिशन की क्षमता बढ़े। 26/1/2014 बेटा, अभी तो आप बहुत दूर हो, 2009 वाला 9th के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल है बेटा, सैनिक और मिलिट्री स्कूल 9th के लिए एलिजिबल हो। आगे बात करते हैं, थोड़े से सवाल और रह गए हैं, इनमें से कौन सा वायरस का बीमारी है। देखो मैं लिस्ट पूरा बनवाता हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका था भैया वायरस की बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जैसे COVID-19 है तो डेंगू हुआ, ठीक है जी, मीजल्स हुआ जैसे खसरा बोलते हैं, या आपके स्किन की जो बीमारियां हुई लाइक स्मॉल पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, तो ये सब बीमारियां किसकी हैं, रेबीज हुआ, पोलियो हुआ, ये सब वायरस की बीमारियां हैं, ठीक है। अब वायरस की इनमें से कौन सी है, भाई स्मॉल पॉक्स वायरस की है, बिल्कुल है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की बीमारी है, कॉलेरा बैक्टीरिया की है, मलेरिया प्रोटोजोआ की बीमारी है, ठीक है जी, और स्मॉल पॉक्स किसकी बीमारी है, वायरस की बीमारी है, डेंगू मलेरिया सॉरी डेंगू मीजल्स रेबीज पोलियो, तो वैक्सीन बनाया जाता है वायरस की बीमारी के लिए। और आजकल चल रहा है कोविड, कोविड जो है ये भी वायरस का बीमारी, जुकाम जो है वो भी वायरस का बीमारी, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल है साइटोलॉजी, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आरएमएस में। साइटोलॉजी मींस अब हम बातें कर रहे हैं स्टडी पे, किसी भी चीज को साइंस में भाई पढ़ते हैं तो उसका एक ब्रांच बना दिया अलग से, भाई किसको, पौधों को पढ़ेंगे अलग ब्रांच में, जानवरों को अलग ब्रांच में पढ़ेंगे, सेल को अलग ब्रांच में, बैक्टीरिया को अलग में, तो सेल का स्टडी क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। सेल की जो खोज की थी, सेल क्या है, हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट है, बेसिक यूनिट है जिसपे हम जिंदा हैं। सेल की खोज की थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने की थी, और सेल हमारा सबसे छोटा यूनिट शरीर में होता है। थोड़े से क्वेश्चन से थोड़ी सी देर का वेट और आप कर लीजिए, जून 2014 का, बिल्कुल 2016 में आ रहे, 2022 में क्वेश्चन आया भैया, ये आरएमएस 2022 में क्वेश्चन आया था, और ये रिपीट होते रहते, मैं जो भी सवाल लाया हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं। 2013 डेट ऑफ बर्थ है भैया, आप मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल का पेपर दीजिए, आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर दीजिए, ओके, सैनिक और मिलिट्री स्कूल का। तो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने। अगला है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, भैया एक काम की थ्योरी एवोल्यूशन मींस हम जो है बंदर से इंसान बन गए, हमारा जो ह्यूमन का जो क्या हुआ है, इमरजेंस हुआ, ह्यूमन जो आज यहां तक पहुंच पाया है उसने बहुत टाइम लगाया है, तो उसे क्या बोला जाता है, एवोल्यूशन, मींस धीरे धीरे करके क्या हुआ है, बढ़ा है ह्यूमन। तो ये थ्योरी किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने, किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने, कि भाई इंसान जो है वो पहले अलग था लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो बदलता गया, और ये जो बदलाव है ये बदलाव क्या, एवोल्यूशन कहलाया। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज कौन होते हैं, जैसे इंसान है, गधे हैं, घोड़े हैं, है ना, ये स्पीसीज कहलाते हैं। गधा घोड़ा याद बहुत आता है मुझे को क्योंकि ये नॉर्मल चीजें जो हमको दिखाई देते हैं, हाथी शेर, है ना, तो ये सब स्पीसीज हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी किताब थी, जिस किताब में इन्होंने बताया कि जो चीजें हैं ना, अब जिराफ की गर्दन पहले बड़ी नहीं हुआ करती थी, जिराफ की गर्दन इसलिए बढ़ी क्योंकि उसको पत्ते ऊपर चले गए, ठीक है। 2011 डेट ऑफ बर्थ है बेटा, आप 6th के लिए एलिजिबल नहीं है, आप 9th के लिए अगली बार एलिजिबल हो जाओगे, ओके। डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अगला नाम है कि कौन सा विटामिन एक हार्मोन है, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन वो होते हैं जो हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करते हैं, कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करता है, वो हमारे शरीर की बोन्स को ग्रोथ प्रदान करता है। क्या ऐसे हमारी आंखों की ग्रोथ होती है, नहीं होती, हमारी सी से दांतों की ग्रोथ नहीं होती, लेकिन 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 विटामिन डी से किसकी ग्रोथ होती है, आपकी बोन्स की ग्रोथ होती है। तो विटामिन डी जो है ये आपकी बोन्स की ग्रोथ के लिए, विटामिन डी जो है एक हार्मोन के रूप में काम करता है, भाई किससे मिलता है, सनलाइट से, और सनलाइट से क्या मिलेगा, हमको हार्मोन ही मिलेगा, हमारी ग्रोथ होगी, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, तो विटामिन डी क्या है, हार्मोन के रूप में ही काम करता है,
ठीक है, विटामिन डी क्या करता है, एक हार्मोन के रूप में काम करता है। तो विटामिन तो भैया मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा, विटामिन तो काम की चीजें हैं। 2010 डेट ऑफ बर्थ है, आप एलिजिबल हो किसके लिए, 9th क्लास के लिए। बेटा त्रिभुवन जी आप एलिजिबल हो 9th क्लास के लिए। सैनिक और मिलिट्री स्कूल का डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया सेम होता है, ठीक है। 29 जुलाई 2000, जून में नहीं दे पाओगे बेटा आप। आप थोड़ा सा आगे सोचिए, दिसंबर का सोचिए। रौनक राणा जी आप दिसंबर का, तो देखो कितनी अच्छा लगता है भैया, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं और आगे का सोच रहे हैं। 10-10-10 है, आप 9th के लिए जा सकते हो। आगे बात करेंगे, अगला है आपका साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन, सेल की बात की। अब सेल में जो सांस लिया जाता है वो कहां से होता है, सेल में जो सांस लिया जाता है, देखो हम तो लंग से लेते हैं लेकिन सेल जो सांस लेती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेती है। सेल में जो प्रोटीन आता है वो राइबोसोम में आता है। सेल में जो सुसाइडल बैग है, सुसाइडल बोले तो जहां पे डाइजेशन होता है, जहां पे सेल मरती है, वो लाइजोसोम है। सेल के अंदर जो मटेरियल आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस, लिख लो भैया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर जो मिलती है सेल को वो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। और कौन सी पावर होती है, एटीपी के रूप में, ठीक है। कौन सी पावर होती है, एटीपी, अडीनो ट्राई फॉस्फेट, अडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। पानी ले आओ जी, हाँ ठीक है जी, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ये क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हमारे शरीर को दी गई एनर्जी। ओके, तो ध्यान रखना भाई आपको, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारे शरीर में सेल के अंदर। सेल सबसे छोटा भैया, और हमारे शरीर में सेल को कौन सा खाना चाहिए होता है, ग्लूकोज। हमारे शरीर में सेल को ग्लूकोज चाहिए, हमारे शरीर में सेल को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन बोले तो अमीनो एसिड है ना, सेल का प्रोटीन होता अमीनो एसिड। आरआईएमसी के लिए डेट ऑफ बर्थ सितंबर 2011 है, दिसंबर में दे सकते हो बेटा, दिसंबर में दे सकते हो आप। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, हमारे शरीर का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। हमारा जो शरीर है उसमें चार चैम्बर हैं, दो आगे की तरफ, सॉरी हमारे शरीर के हार्ट में चार चैम्बर हैं। हमारा जो हार्ट होता है वो ऐसे होता है, दो ऑरिकल होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। दो हमारे शरीर में क्या है, ऑरिकल, और दो हैं हमारे वेंट्रिकल, ठीक है जी। सपोज करिए भैया देखो, ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल, वेंट्रिकल ऑरिकल मतलब हमारे शरीर में दो ऑरिकल हैं हमारे शरीर के हार्ट में, तो हार्ट के चार चैम्बर हैं, ठीक है। दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल, दो ऑरिकल हैं, दो क्या हैं, वेंट्रिकल हैं। अब ये जो हमारा ब्लड है ना, ये आएगा इसमें, फिर इससे इसमें जाएगा, पंप होकर के फिर हमारे शरीर में जाएगा वापस, तो ये क्या होता है, इसे ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। और इसमें काम आती हैं वीन्स। वीन्स क्या हैं, जो खराब खून को हार्ट तक ले जाती हैं। वीन्स खराब खून को हार्ट तक ले जाती हैं, और आर्टरी अच्छे खून को हार्ट से ले जाती हैं, ठीक है। साफ करने के बाद अच्छे खून को हार्ट से ले जाती हैं। तो हमारे इंसानों के दिल में चार चैम्बर होते हैं, लेकिन मछलियों के दिल में दो चैम्बर होते हैं। इसके अलावा आपके रेप्टाइल्स के दिल में तीन चैम्बर्स भी होते हैं, एम्फीबियन के भी तीन चैम्बर होते हैं। तो अलग अलग दिल में अलग अलग चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि उनका दिल भी हमारी तरह का ही होता है। पेट दुख गया। चलिए ओके, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगला है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम प्रोटीन। देखिए प्रोटीन की जरूरत हमें शरीर की ग्रोथ के लिए थी। अब शरीर की जो ग्रोथ है हमारे अंदर वो प्रोटीन के कारण है, ऑब्वियसली प्रोटीन के कारण है, लेकिन 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 जो हमारे शरीर की ग्रोथ है वो किससे होगी, कौन सी चीज है जिसके अंदर प्रोटीन होगी, एक एक करके बात कर लेते हैं। सोयाबीन के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, ग्राउंड नट के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, मीट के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन है, आपके एग के अंदर प्रोटीन होता है, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन होता है, ठीक है। तो एवोकेडो के अंदर भी प्रोटीन होता है, बनाना के अंदर भी प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा किसके अंदर है, सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे मसल्स को रिपेयर करता है। मसल्स रिपेयर होंगे तो हमारा शरीर क्या रहेगा, ज्यादा मजबूत रहेगा, ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होगी,
ओके तो हमारे शरीर को जब प्रोटीन नहीं मिलती तो हमारी मसल्स टूटने लगती हैं। इसीलिए इंसान जब खाना नहीं खाता तो वो कैसा हो जाता है, उसके हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मसल्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। मैं क्लास खत्म करूंगा, अब थोड़ी ही देर में क्लास खत्म होने वाली है। उसके बाद अगला सवाल जो है कि इनमें से कौन सा आपके प्लांट से नहीं निकलता, कौन सा फाइबर जो है प्लांट से नहीं निकलता। एक एक करके बात करते हैं। हेम्प, हेम्प से बनी होती है बोरियां, जो घरों में बोरी यूज करते हैं ना, वो हेम्प से बनी होती है। बहुत हल्का वो रेशा होता है जो कि कोकोनट से मिलता है। हेम्प किससे मिलता है? कोकोनट से मिलता है। कोकोनट बोले तो प्लांट से, ठीक है जी। जूट किससे मिलता है भैया? प्लांट से मिलता है। कॉटन किससे मिलता है भैया? प्लांट से। सिल्क किससे मिलता है भैया? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म बोले तो भैया आपका सिल्क वॉर्म क्या होता है? सिल्क वॉर्म है एक एनिमल, एक कीड़ा। तो कौन सा नहीं मिलता? देखो पहले तो सवाल देख लो, सवाल में नॉट लिखा हुआ है। तो कौन सा नहीं मिलता भैया आपका? सिल्क नहीं मिलता। बहुत काम के हैं, ऐसे इतने आसान सवाल आते हैं गलती कर देते हो। भैया नहीं करनी गलती, गलती वो करते हैं जिनको आदत हो चुकी है गलती करने की, जिनको समझना कुछ है नहीं और जिनको करता रहना है। बिल्कुल, मैं इसे टेलीग्राम पे आपके लिए डाल दूंगा। उसके बाद अब है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी फिर से एक स्टडी का सवाल आ गया। देखो ज्यादातर जो सवाल आपको दिखाई दिए होंगे वो बायोलॉजी के सवाल होंगे, ज्यादातर बायोलॉजी से सवाल आते हैं। और बायोलॉजी के जो सवाल होते हैं वो आपकी शरीर से संबंधित होते हैं, वो आपके आसपास की चीजों से संबंधित होते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऑर्निथोलॉजी किसका स्टडी है? ऑर्निथोलॉजी होता बर्ड्स का स्टडी, ठीक है। जो बर्ड्स को क्या बोलते हैं पता है? बर्ड्स को वैज्ञानिक भाषा में एव्स बोला जाता है। बर्ड्स को वैज्ञानिक भाषा में एव्स बोला जाता है। तो एव्स का स्टडी ऑर्निथोलॉजी होता है। सर खाना नहीं खाते हो क्या? क्या करें भैया, अब आपके लिए चिल्लाना पड़ रहा है, जब 12 घंटे भी चिल्लाना पड़ता था, अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं। ओके बेटा, ओरिकल और एट्रियम दोनों ही बोलते हैं, ठीक है, ज्ञान मत सिखाओ। सर ओरिकल नहीं एट्रियम बोलते हैं, तो ज्ञान मत सिखाओ भैया। ओके चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपके लिए, कौन सा गैस है जो टायर्स में भरा जाता है एरोप्लेन। एक और मेरा फेवरेट क्वेश्चन और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको पता है एरोप्लेन के जो टायर हैं इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, इनके ऊपर बहुत प्रेशर होने से बहुत ज्यादा हीट बन जाती है। तो इसके लिए कोई भी हम ऐसी चीज यूज करेंगे जो ठंडी हो। ठंडी यूज करने के लिए क्या करेंगे हम? इनमें से सबसे ठंडी चीज तो एक ही होती है, बहुत ठंडा होता है लिक्विड नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल होता है ये कुल्फी जमाने में। एकदम से भैया आपको कुल्फी जमानी है, ठीक है, एकदम से आइसक्रीम जमानी है फ्रिज में, तो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। तो लिक्विड नाइट्रोजन किसमें भरी जाती है? एरोप्लेन के टायर में। आजकल तो गाड़ियों में भरने लगे हैं ताकि टायर ठंडा रहे, ठीक है। लेकिन अब जो नॉर्मली जो भाई टायर होते हैं उनके अंदर गैस भरी होती है? नहीं, उनके अंदर एयर भरी होती है। नॉर्मल जो टायर हैं उनके अंदर हम हवा भरते हैं, हवा बोले तो एयर, जिसके अंदर सारी गैसेज होती हैं। अरे भैया अभी जरूरत नहीं है 12 घंटे की क्लास की, अभी बहुत टाइम है 12 घंटे की क्लास में, ठीक है, अभी बहुत टाइम है 12 घंटे की क्लास में। चलिए आगे बात करते हैं, बिल्कुल हम आखिरी सवालों पे जा रहे हैं। एक और सवाल, ब्रेड जो डफ होता है, भाई आपको पता है आपका जो रोटी है, रोटी के ऊपर क्या हो जाता है? रोटी के ऊपर फफूंदी लग जाती है। अब भैया रोटी के ऊपर फफूंदी लग गई, इसका मतलब आपकी रोटी खराब हो गई। खराब कब होती है? जब उसे ज्यादा टाइम तक आप रखते हो तो फफूंदी जो लगती है व्हाइट कलर की, या कभी कभी वो ब्लैकिश भी हो जाती है, ग्रे कलर की हो जाती है, वो फफूंदी होती है यीस्ट के कारण। किसके कारण है वो फफूंदी? यीस्ट के कारण। बोला था ना, यीस्ट अच्छा भी है, यीस्ट बेकार भी है। तो ये फफूंदी फंगस जो होता है, ये यीस्ट सेल्स ग्रो हो जाती हैं, ठीक है, यीस्ट सेल क्या हो जाएंगी? ग्रो। ओके चलो आगे बात करते हैं। अगला बिल्कुल सेकंड लास्ट सवाल है हमारा कि कौन सा एलिमेंट होता है जो स्टोर किया जाता है केरोसिन में। सॉरी थोड़ा सा ना थक गया हूं, पानी पिया नहीं है। चलो केरोसिन जो होता है मींस मिट्टी का तेल। अब भाई एक ऐसी चीज है जिसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्यों? क्योंकि अगर इसको पानी में रख दिया तो पानी के साथ आग लगा देता है। ये बहुत आसान सा है, अभी 9th क्लास में आया था, ये सब जगह आते हैं सवाल, इतने आसान सवाल आते हैं 9th वालों के, 50 में से 50 इतने बच्चे 9th में लेके आए। और आप भैया पता नहीं कैसे पढ़ते हो यार, साइंस इतनी आसान चीज है।
तो कौन सा है जो केरोसिन में स्टोर होता है? सोडियम। भाई सोडियम वही जो चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम वही है जो चाकू से काटा जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है। लेकिन ये सोडियम हम पानी में नहीं रख सकते, पानी में रखते ही इसमें आग लग जाती है। हम इसको रखते हैं मिट्टी के तेल में। हम किस में रखते हैं इसको? मिट्टी के तेल में। फॉस्फोरस को हम पानी में रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये हवा से आग पकड़ लेता है। फॉस्फोरस क्या लगा देता है? हवा में आग लगा देता है। बहुत ज्यादा क्या है ये? जलने वाला चीज है। तो फास्फोरस तो लगाता है हवा में आग, इसलिए इसको पानी में रखते हैं। सोडियम लगाता है पानी में आग, इसलिए इसको कैरोसिन में रखते हैं। इसलिए इसको किस में रखते हैं? कैरोसिन में रखते हैं। तो पोटाशियम को भी कैरोसिन में रखते हैं और कैरोसिन आपके सोडियम को भी कैरोसिन में रखते हैं। 2011 डेट ऑफ बर्थ है। आप जून का भी दे सकते हो, आप दिसंबर का भी दे सकते हो, जून और दिसंबर दे सकते हो। अलेक्जेंडर द ग्रेट कह रहे हैं, बट आप मुझे भूल कैसे गए? कौन हो भैया? देखो अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से थोड़ी याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल हमारा, आखिरी सवाल है, कौन सा अर्थक्वेक को मेजर करने का क्या है इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट बोले तो डिवाइस। यहां पे देखो दो चीजें दे रखी हैं। अर्थक्वेक में आपका रिक्टर स्केल आपकी इंटेंसिटी को मापता है, अर्थक्वेक कितना तेज है, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक है या नहीं है इसके लिए सिस्मोग्राफ यूज होता है, पॉलीग्राफ यूज होता है, झूठ पकड़ने वाली मशीन। झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है वो आपकी क्या होती है? पॉलीग्राफ होती है। झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है वो पॉलीग्राफ होती है, ठीक है। ओके जी, चलो हाँ, बहुत आज के लिए इतना ही। कोशिश की मैंने कि जितने भी काम की चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती, प्रीवियस ईयर देखा करो बेटा। जब भी आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि हाँ सर जो करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमको प्रीवियस ईयर में मिला है। इसका मतलब वही चीजें बहुत आती हैं, तो उन्हीं चीजों को करो। देखो मेरा जो उद्देश्य अपनी हवा बनाना, अकेडमी की हवा बनाना नहीं है, हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चों का भविष्य बनाना, ठीक है। तो भाई उस पर ध्यान दो। दिन भर रात भर दो साल से हम आपके लिए लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, तो इसका कारण यही है कि हम चाहते हैं आप बहुत अच्छा करो। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, दबा के लाइक ठोक दो जाते जाते। और सुखोई एकेडमी का 100% स्कॉलरशिप जो एग्ज़ाम है वो 11 जून को होने वाला है। और मैं बता दूं कि जो भी RIMC का एग्ज़ाम दिसंबर में देना चाहता है और वो सुखोई एकेडमी में आना चाहता है, क्योंकि देखो इस बार थोड़ा रिजल्ट थोड़ा सा डाउन था, 15 ही सिलेक्शन हम दे पाए, लेकिन 15 बहुत बड़ी संख्या है बेटा, एक से ज्यादा भी नहीं दे पाता कोई, 15 सिलेक्शन बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप भी अगर आना चाहते हो, सुखोई का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपको देना पड़ेगा एक स्कॉलरशिप एग्जाम। अगर आप उसे पास कर लेते हो तो आपको बिल्कुल रहना खाना फ्री सारी चीजें सुखोई एकेडमी प्रोवाइड कराती है, ठीक है जी। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, sukhoiacademy.com पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हो आपको स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए जो 11 जून को होने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेगी अगले संडे ऐसे ही मैराथन के साथ। गुड बाय सभी को, ध्यान रखिए अपना और दम लगा के तैयारी कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, सुखोई आपके साथ है हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।